उसका नाम है क्रियो। क्रियो 2024 के एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है जो एक हाईएस्ट कॉमेडी फिल्म है। तो इस फिल्म को किस तरह से कैसे क्या ऑफिशियली देख सकते हो उसके ऊपर बातचीत करने वाले। इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, फिल्मिंग बजट के ऊपर डिटेलिंग मिलेगी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी एक जानकारी मिलने वाली है, एक प्रिडिक्शन मिलने वाला है। कहानी के ऊपर एक प्रिडिक्शन मिलने वाला है। फिल्म से जुड़े अलग अलग एस्पेक्ट है उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होने वाला है, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्रू जो 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज हाईएस्ट कॉमेडी फिल्म है। फिल्म की कास्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से की गई है, जहाँ पे टबू, करीना कपूर और कृति सेनन जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे मेन लीड एक्ट्रेस के तौर पे। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे राजेश कृष्णन, जहाँ पे एज अ डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने इस फिल्म में काम किया और स्क्रीन प्ले भी उनके द्वारा तैयार किया गया है। एज अ डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने इससे पहले 2020 में लूट केस करके एक अच्छी फिल्म बनाई हुई थी। इससे पहले उन्होंने TVF की ट्रिपलिंग करके जो सीरीज थी वो डायरेक्ट की हुई थी, तो उनकी डेब्यू सीरीज थी वो भी अच्छी थी और ये भी फिल्म भी अच्छी थी। पिछली जो आई थी लूट के कुनाल के मोस्ट स्टारर फिल्म, तो अब वो ये इस फिल्म को लेके आ रहे क्रू फिल्म को। अब देखते हैं कि उनका कंटेंट किस तरह से कैसे क्या हिट करता है। जहाँ पे मेहुल सूरी और निधि मेहरा के द्वारा इस फिल्म को लिखा जा रहा है, इस फिल्म की कहानी उनके द्वारा लिखी गई है। एकता कपूर, रिया कपूर, अनिल कपूर और दिग्विजय पुरोहित के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। बालाजी मोशन पिक्चर्स, अनिल कपूर फिल्म्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे रिलायंस एंटरटेनमेंट ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है। एक मीडियम काइंड ऑफ बजट वाली फिल्म है जिसकी कास्ट में टबू, करीना कपूर, कृति सेनन, दिलजीत दोसांझ जैसे एक्टर लीड रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी वो अनुज राकेश धवन ने की हुई है। फिल्म की एडिटिंग है वो मनन सागर ने की हुई है, जिन्होंने क्रिस्प एडिटिंग रखी हुई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग्स है वो दिलजीत दोसांझ, बादशाह, राजा, रंतोज, विशाल मिश्रा, अक्षय IP, पार्क रोहित जैसे द्वारा कंपोज करवाए गए। बैकग्राउंड स्कोर जॉन स्टीवर्ट दूरी के द्वारा कंपोज किया हुआ है। फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो टब्बू लीड रोल में देखने को मिलती है, जहां पे उन्होंने गीता सेठी का रोल प्ले किया हुआ है, जो एक इन फ्लाइट सुपरवाइजर है जो कोहिनूर एयरलाइंस में है। इसके अलावा करीना कपूर खान ने इस फिल्म में जैस्मिन राणा का रोल प्ले किया हुआ है, जहां पे उन्होंने सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट का रोल प्ले किया हुआ है जो कोहिनूर एयरलाइंस में काम करती हुई नजर आएगी। कृति सेनन इस फिल्म में दिव्या बाजवा का रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी, जो जूनियर फ्लाइट अटेंडेंट है जो कोहिनूर एयरलाइंस में काम करते थे। तीनों फ्रेंड है। इसके अलावा दिलजीत दोसांझ इसमें जय सिंह राठौर का रोल प्ले किया है, जो सब इंस्पेक्टर CBI ऑफिसर है। इसके अलावा कपिल शर्मा का एक स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलता है, जिन्होंने राव मान सिंह का रोल प्ले किया है जो डिफॉल्टर मिलीनियर है। इसके अलावा राजेश शर्मा ने इस फिल्म में मार्थन मारन का रोल प्ले किया हुआ है जो कोहिनूर एयरलाइंस का CFO है। शाश्वत चटर्जी ने इस फिल्म में विजय वाल्या का रोल प्ले किया हुआ है जो कोहिनूर एयरलाइंस के चेयरमैन है। तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए। इस फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो स्टार्ट करवाई गई थी 25 मार्च 2023 को, जहाँ पे इस फिल्म को पूरी तरह से फरवरी 2024 तक रेपअप करवाया हुआ था। तो करीबन 9-10 महीने इस फिल्म के अलग अलग शेड्यूल्स के तहत
शूटिंग रही थी जहाँ पे मुंबई, गोवा, अबू धाबी जैसे अलग अलग लोकेशंस पे इस फिल्म को शूट किया था। उसके बाद में म्यूजिक, डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, एडिटिंग करवाते हुए इस फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ है। जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में बातचीत करें तो अलग अलग म्यूजिक कंपोजर है। जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट थे वो भी काफ़ी अच्छी खासी प्राइस में बिके हुए। तो ये सभी चीज़ें इस फिल्म के साथ एक अच्छी हित में हुए कि फिल्म के रिलीज से पहले ही OTT राइट से, सैटेलाइट राइट से वो सभी चीज़ें बिक चुकी है। तो फिल्म ऑलरेडी प्रॉफिट में ही चल रही है। इसके अलावा फिल्म जब थिएट्रिकल रन लेगी उसके बाद ही पता चलेगा किस तरीके से क्या कमाल करती है। वैसे टिप्स ऑफिशियल के द्वारा इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए फिल्म के दो गाने फिलहाल में आउट हुए। एक तो नाम है नैना, दूसरा है घाघरा। तो ये दो गाने जो आउट है उसको काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस मिला हुआ है। दोनों गानों ने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी यूट्यूब पे काफ़ी व्यूज़ क्रिएट किए हुए। फर्स्ट सिंगल नैना जिसको 5 मार्च 2024 को टिप्स म्यूजिक के द्वारा रिलीज करवाया गया था, जहाँ पे इस फिल्म का जो सेकंड गाना है घाघरा उसको 12 मार्च 2024 को टिप्स के द्वारा रिलीज करवाया हुआ था। जो नैना गाना है उसको राज रंजोद ने लिखा हुआ है और बादशाह ने लिखा हुआ है। राज रंजोद के द्वारा म्यूजिक दिया गया था। इसके अलावा दिलजीत दोसांझ और बादशाह ने उसको गाया हुआ है। घाघरा जो गाना है वो एक रीमेक वर्जन है। राजस्थानी जो ट्रैक है दिल्ली शहर में मारो घाघरो जो घूमियो पॉम है वो उसको रिक्रिएट करते हुए इसमें डाला हुआ है घाघरा गाने को, जिसको जूनो और षष्टी तावड़े ने लिखा हुआ है। भारत ने म्यूजिक दिया हुआ है। इला अरुण और रोमी षष्टी दावड़े उनके द्वारा गवाया गया है। तो ये फिल्म के दो गाने फिलहाल में आउट हुए। ये दोनों गानों को एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है। सभी गाने आप ऑफिशियली सुन सकते हो टिप्स ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहाँ पे इस फिल्म के जो बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर बातचीत करें तो वो की हुई है जॉन स्टीवर्ट इदुरे ने। इस फिल्म का जो टीजर आउट हुआ था तब एक अच्छा एक रिस्पॉन्स हासिल हुआ था, जहाँ पे लोगों ने सराहा था कि तीन बड़े नाम एक साथ में आ रहे हैं, जहाँ पे तबू करीना कपूर और कृति सेनन काफ़ी बेहतरीन फिल्म के एक अच्छे रोल्स में देखने को मिलने वाले। और उसके बाद में जो डायरेक्टर थे राजेश कृष्णन, उनसे भी उम्मीदें थी क्योंकि इससे पहले उन्होंने लुटकेस और जो ट्रिपलिंग बनाई हुई थी TVF की वो भी उनकी काफ़ी शानदार रही थी। तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखते हुए एक अच्छा खासा एक इस फिल्म के थ्रू मेकर्स को भी कॉन्फिडेंस था। इसके अलावा इस फिल्म की जो कास्टिंग थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, जिसमें दिलजीत दोसांझ और कपिल शर्मा जैसे एक्टर्स के भी नाम जुड़े हुए थे। जहाँ पे इस फिल्म का जब ट्रेलर आउट हुआ तब और भी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला। ट्रेलर में जो हाइट देखने को मिले, जो कॉमेडी सीन सेट किए हुए, जिस तरह से जो बैकग्राउंड स्कोर बता है, जिस तरह से जो एक हाइट में जो एक फन क्रिएट किया हुआ है, एक ह्यूमर डाला हुआ है, वो सभी चीज़ें फिल्म को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती है। इसके अलावा फिल्म में ग्लैमर भी काफ़ी भर भर के डाला हुआ है। फिल्म की लीड एक्ट्रेस के द्वारा जिस तरह से ग्लैमराइज की हुई फिल्म को, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आती है। तो सभी टाइप के ऑडियंस को फिल्म अट्रैक्ट करने में डेफिनेटली कामयाब रहने वाली। इस फिल्म को रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है और ये फिल्म डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिलीज ले सकती है। जब ये फिल्म रिलीज हो रही है तब आसपास इतनी बड़ी कोई फिल्म में नज़र नहीं आ रही, तो एक अच्छा रिलीज लेगी। तो अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो फिल्म का तो एक अच्छा खासा कलेक्शन कर सकती है। फिलहाल में इस फिल्म का टीजर ट्रेलर सॉन्ग जो आउट हुआ है उसको एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ है। व्यूज़ अच्छे आए हुए हैं, ग्लैमर लोगों को पसंद आ रहा है, जिस तरह से कॉमेडी थी, एक्टिंग थी, वो लोगों को पसंद आ रही है। तो ये सभी चीज़ें
वो फिल्म के हित में काम करती हुई नजर आ रही है। अब देखते हैं कि फुल फीचर फिल्म में इन सभी चीज़ों को किस तरह से कैसे क्या दिखाया हुआ है। जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अनुज राकेश धवन ने की हुई है, जहाँ पे उनका कैमरा वर्क आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। एडिटिंग है वो मनन सागर के द्वारा करवाई गई है। तो ये कुछ चीज़ें जो फिल्म के साथ में काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करने के चांसेस है। अब देखने वाली बात ये है कि इस फिल्म को फुल फीचर में किस तरह से कैसे डायरेक्टर ने दिखाया होगा। टीजर ट्रेलर काफ़ी इंटरेस्टिंग और कलरफुल और एट्रेक्टिव नज़र आ रहा है। ग्लैमर भी काफ़ी बढ़िया तरीके से टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स में डाला हुआ है। इसके अलावा ह्यूमर देखने को मिल रहा है, फनी चीज़ें भी अच्छी तरह से ऐड की हुई है। जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया जा रहा है वो इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है। स्टोरी से देखा जाए तो तीन लड़कियों के ऊपर है, जो तीन दोस्त है। एक ही एयरलाइंस में काम करती है, कोहिनूर एयरलाइंस में, जहाँ पे एक ही केबिन क्रू में वो काम करती हुई नज़र आएगी। तो डिलीजेंट एक फ्रेंड्स के तौर पे वो नज़र आई बताई गई है, और उनकी लाइफ काफ़ी पीसफुल तरीके से जा रही होती है। लेकिन एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है उनकी लाइफ में, जहाँ पे वो सिचुएशन के चलते वो अनएक्सपेक्टेडली कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती कि वो धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें करने में मोटिवेट हो जाते, और उसके बाद में वो एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते। तब उससे किस तरह से वो कैसे बाहर निकलते उस ट्रैप से, वो सब चीज़ों में फिल्म की कहानी से ऐड की होगी। तो अब ये चीज़ें सुनने में इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है, टीजर ट्रेलर लेवल पे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है। तो फुल फीचर फिल्म काफ़ी बढ़िया रहेगी ऐसा एक अंदाज़ा लग रहा है, जहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे एक्टर्स के नाम सामने निकल के आए। टबू, करीना कपूर, प्रीति सनन, दिलजीत दोसांझ, कपिल शर्मा, राजेश शर्मा और शाश्वत चटर्जी जैसे एक्टर्स का भी नाम नज़र आया हुआ है। तो ये सभी चीज़ें तो फिल्म के साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से पेपर पे चीज़ें नज़र आ रही है। फुल फीचर फिल्म कैसी क्या रहती है और रिलीज़ के बाद पता चलेगा। इस फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा है थिएट्रिकली 29 मार्च 2024 को। जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ, उसके ऊपर ये फिल्म कितना क्या रन लेती है वो डिपेंड करेगा। वैसे करीना कपूर, कृति सेनन, टबू की जो फैन फॉलोइंग है उसके हिसाब से डेफिनेटली फिल्म एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन पहले तीन दिन में करेगी। उसके बाद में रिलायंस एंटरटेनमेंट किस तरह की क्या रिलीज दिलवाती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। वर्ड ऑफ माउथ इस फिल्म को लंबा रन दिला सकता है, अच्छे खासा 100 करोड़ का बेंचमार्क भी हासिल करवा सकता है। अब देखते हैं कि ये सभी चीज़ें इस फिल्म के साथ किस तरह से कैसे क्या जाती है। वैसे क्रू फिल्म फिलहाल में जितने भी जो कंटेंट आउट हुआ है, टीजर, ट्रेलर, सॉन्ग्स, पोस्टर, सभी चीज़ें काफ़ी ग्लैमरस नज़र आ रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है। जो एक म्यूज़िक के तौर पे देखे या फिर अलग अलग एक्सपेक्ट के तौर पे देखे तो सभी जगह पे फिल्म परफेक्ट नज़र आ रही है। देखते कि रिलीज़ के बाद किस कैसे क्या काम रहता है। अब थिएट्रिकल रिलीज़ तो 29 मार्च 2024 की है, तब से फिल्म थिएटर में आपको देखने को मिलेगी। बात करें OTT की तो OTT के राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने काफ़ी भारी रकम देते हुए खरीदे हुए। तो जैसे ही थिएट्रिकल रन कंप्लीट होता है 50-60 दिनों के बाद ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर क्रू नाम के साथ हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि क्रू फिल्म फिलहाल में 29 मार्च 2024 से थिएटर में रिलीज़ होने के लिए तैयार है। थिएट्रिकल रिलीज़ के कुछ दिनों के बाद ये फिल्म करीबन 50-60 दिनों के बाद ऑफिशियली आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे क्रू नाम के साथ इस फिल्म को अवेलेबल किया जाएगा। तो इस तरह से क्रू फिल्म आप ऑफिशियली OTT और सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर
आसानी से एंजॉय कर पाओगे। सैटेलाइट प्लेटफॉर्म OTT रिलीज के कुछ बाद रिलीज करवाया जाएगा, उसके ऊपर इस फिल्म को रिलीज करवाया जाएगा। क्रू जो 2024 के इंडियन हिंदी लैंग्वेज हाईएस्ट कॉमेडी फिल्म है। फिल्म की कास्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से की गई है, जहां पे टबू, करीना कपूर और कृति सेनन जैसे एक्ट्रेस देखने को मिलेंगे मेन लीड एक्ट्रेस के तौर पे। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे राजेश कृष्णन, जहां पे एज अ डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने इस फिल्म में काम किया और स्क्रीन प्ले भी उनके द्वारा तैयार किया गया है। एज अ डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने इससे पहले 2020 में लूट केस करके एक अच्छी फिल्म बनाई हुई थी। इससे पहले उन्होंने TVF की ट्रिपलिंग करके जो सीरीज थी वो डायरेक्ट की हुई थी, तो उनकी डेब्यू सीरीज थी वो भी अच्छी थी और ये भी फिल्म भी अच्छी थी। पिछली जो आई थी लूट के कुणाल खेमू स्टारर फिल्म, तो अब वो ये इस फिल्म को लेके आ रहे क्रू फिल्म को। अब देखते हैं कि उनका कंटेंट कैसे से कैसे क्या हिट करता है। जहाँ पे मेहुल सूरी और निधि मेहरा के द्वारा इस फिल्म को लिखा जा रहा है, इस फिल्म की कहानी उनके द्वारा लिखी गई है। एकता कपूर, रिया कपूर, अनिल कपूर और दिग्विजय पुरोहित के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। बालाजी मोशन पिक्चर्स, अनिल कपूर फिल्म्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे रिलायंस एंटरटेनमेंट ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है। एक मीडियम काइंड ऑफ बजट वाली फिल्म है, जिसकी कास्ट में टबू, करीना कपूर, कृति सेनन, दिलजीत दोसांझ जैसे एक्टर लीड रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी वो अनुज राकेश धवन ने की हुई है। फिल्म की एडिटिंग है वो मनन सागर ने की हुई है, जिन्होंने क्रिस्प एडिटिंग रखी हुई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग्स है वो दिलजीत दोसांझ, बादशाह, राजोज, विशाल मिश्रा, अक्षय IP, पार्क रोहित जैसे द्वारा कंपोज करवाए गए। बैकग्राउंड स्कोर जॉन स्टीवर्ट इंदूरी के द्वारा कंपोज किया हुआ है। फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो टब्बू लीड रोल में देखने को मिलती है, जहां पे उन्होंने गीता सेठी का रोल प्ले किया हुआ है, जो एक इन फ्लाइट सुपरवाइजर है जो कोहिनूर एयरलाइंस में है। इसके अलावा करीना कपूर खान ने इस फिल्म में जैस्मिन राणा का रोल प्ले किया हुआ है, जहां पे उन्होंने सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट का रोल प्ले किया हुआ है जो कोहिनूर एयरलाइंस में काम करती हुई नजर आएगी। कृति सेनन ने इस फिल्म में दिव्या बाजवा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगी, जो जूनियर फ्लाइट अटेंडेंट है जो कोहिनूर एयरलाइंस में काम करते थे। तीनों फ्रेंड है। इसके अलावा दिलजीत दोसांझ ने इसमें जयसिंह राठौर का रोल प्ले किया है, जो सब इंस्पेक्टर CBI ऑफिसर है। इसके अलावा कपिल शर्मा का एक स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलता है, जिन्होंने राव मान सिंह का रोल प्ले किया है जो डिफॉल्टर मिलीनियर है। इसके अलावा राजेश शर्मा ने इस फिल्म में माथन मारन का रोल प्ले किया हुआ है, जो कोहिनूर एयरलाइंस का CFO है। शाश्वत चटर्जी ने इस फिल्म में विजय वाल्या का रोल प्ले किया हुआ है, जो कोहिनूर एयरलाइंस के चेयरमैन है। तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए। इस फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो स्टार्ट करवाई गई थी 25 मार्च 2023 को, जहां पे इस फिल्म को पूरी तरह से फरवरी 2024 तक रेपअप करवाया हुआ था। तो करीबन 9-10 महीने इस फिल्म के अलग अलग शेड्यूल्स के तहत शूटिंग रही थी, जहां पे मुंबई, गोवा, अबू धाबी जैसे अलग अलग लोकेशंस पे इस फिल्म को शूट किया था। उसके बाद में म्यूजिक, डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, एडिटिंग करवाते हुए इस फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ है। जहां पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में बातचीत करें तो अलग अलग म्यूजिक कंपोजर है, जहां पे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट थे वो भी काफ़ी अच्छी खासी प्राइस में बिके हुए। तो ये सभी चीज़ें इस फिल्म के साथ एक अच्छी हिट में हुए कि फिल्म के रिलीज से पहले OTT राइट से, सैटेलाइट राइट से,
वो सभी चीज़ें बिक चुकी है, तो फिल्म ऑलरेडी प्रॉफिट में ही चल रही है। इसके अलावा फिल्म जब थिएट्रिकल रन लेगी उसके बाद ही पता चलेगा किस तरीके से क्या कमाल करती है। वैसे टिप्स ऑफिशियल के द्वारा इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए। फिल्म के दो गाने फिलहाल में आउट हुए, एक तो नाम है नैना, दूसरा है घाघरा। तो ये दो गाने जो आउट है उसको काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस मिला हुआ है। दोनों गानों ने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी यूट्यूब पे काफ़ी व्यूज़ क्रिएट किए हुए। फर्स्ट सिंगल नैना जिसको 5 मार्च 2024 को टिप्स म्यूजिक के द्वारा रिलीज करवाया गया था, जहाँ पे इस फिल्म का जो सेकंड गाना है घाघरा उसको 12 मार्च 2024 को टिप्स के द्वारा रिलीज करवाया हुआ था। जो नैना गाना है उसको राज रंजोत ने लिखा हुआ है और बादशाह ने लिखा हुआ है, राज रंजोत के द्वारा म्यूजिक दिया गया था। इसके अलावा दिलजीत दोसांझ और बादशाह ने उसको गाया हुआ है। घाघरा जो गाना है वो एक रीमेक वर्जन है, राजस्थानी जो ट्रैक है दिल्ली शहर में मारो घाघरो जो घूमियो फॉर्म है वो उसको रिक्रिएट करते हुए इसमें डाला हुआ है घाघरा गाने को, जिसको जूनो और षष्टी तावड़े ने लिखा हुआ है, भारत ने म्यूजिक दिया हुआ है। इला अरुण और रोमी षष्टी दावड़े उनके द्वारा गवाया गया है। तो ये फिल्म के दो गाने फिलहाल में आउट हुए, ये दोनों गानों को एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है। सभी गाने आप ऑफिशियली सुन सकते हो टिप्स ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहाँ पे इस फिल्म के जो बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर बातचीत करें तो वो की हुई है जॉन स्टीवर्ट इंदुरी ने। इस फिल्म का जो टीजर आउट हुआ था तब एक अच्छा एक रिस्पॉन्स हासिल हुआ था, जहाँ पे लोगों ने सराहा था कि तीन बड़े नाम एक साथ में आ रहे हैं, जहाँ पे तबू करीना कपूर और कृति सेनन काफ़ी बेहतरीन फिल्म के एक अच्छे रोल्स में देखने को मिलने वाले। और उसके बाद में जो डायरेक्टर थे राजेश कृष्णन, उनसे भी उम्मीदें थी क्योंकि इससे पहले उन्होंने लुटकेस और जो ट्रिपलिंग बनाई हुई थी टीवीएफ की वो भी उनकी काफ़ी शानदार रही थी। तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखते हुए एक अच्छा खासा एक इस फिल्म के थ्रू मेकर्स को भी कॉन्फिडेंस था। इसके अलावा इस फिल्म की जो कास्टिंग थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, जिसमें दिलजीत दोसांझ और कपिल शर्मा जैसे एक्टर्स के भी नाम जुड़े हुए थे। जहाँ पे इस फिल्म का जब ट्रेलर आउट हुआ तब और भी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला। ट्रेलर में जो हाइट देखने को मिले, जो कॉमेडी सीन सेट किए हुए, जिस तरह से जो बैकग्राउंड स्कोर बजता है, जिस तरह से जो एक हाइट में जो एक फन क्रिएट किया हुआ है, एक ह्यूमर डाला हुआ है, वो सभी चीज़ें फिल्म को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती है। इसके अलावा फिल्म में ग्लैमर भी काफ़ी भर भर के डाला हुआ है। फिल्म की लीड एक्ट्रेस के द्वारा जिस तरह से ग्लैमराइज की हुई फिल्म को, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आती है। तो सभी टाइप की ऑडियंस को फिल्म अट्रैक्ट करने में डेफिनेटली कामयाब रहने वाली। इस फिल्म को रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है और ये फिल्म डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिलीज ले सकती है। जब ये फिल्म रिलीज हो रही है तब आसपास इतनी बड़ी कोई फिल्में नजर नहीं आ रही, तो एक अच्छा रिलीज लेगी। तो अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो फिल्म का तो एक अच्छा खासा कलेक्शन कर सकती है। फिलहाल में इस फिल्म का टीजर ट्रेलर सॉन्ग जो आउट हुआ है उसको एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ है, व्यूज़ अच्छे आए हुए हैं, क्लेमर लोगों को पसंद आ रहा है, जिस तरह से कॉमेडी थी एक्टिंग थी वो लोगों को पसंद आ रही थी, ये सभी चीज़ें वो फिल्म के हित में काम करते हुए नज़र आ रही है। अब देखते कि फुल फीचर फिल्म इन सभी चीज़ों को किस तरह से कैसे क्या दिखाया हुआ है। जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अनुज राकेश धवन ने की हुई है, जहाँ पे उनका कैमरा वर्क आपको डेफिनेटली पसंद आएगा, एडिटिंग है वो मनन सागर के द्वारा करवाई गई है। तो ये कुछ चीज़ें जो फिल्म के साथ में काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करने के चांसेस है। अब देखने वाली बात ये है कि इस फिल्म को फुल फीचर में किस तरह से कैसे डायरेक्टर ने दिखाया होगा। टीजर ट्रेलर काफ़ी इंटरेस्टिंग और कलरफुल और एट्रेक्टिव नज़र आ रहा है,
ग्लैमर भी काफ़ी बढ़िया तरीके से टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स में डाला हुआ है। इसके अलावा ह्यूमर देखने को मिल रहा है, फनी चीज़ें भी अच्छी तरह से ऐड की हुई है। जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया जा रहा है वो इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है। स्टोरी से देखा जाए तो तीन लड़कियों के ऊपर जो तीन दोस्त है, एक ही एयरलाइंस में काम करती है कोहिनूर एयरलाइंस में, जहाँ पे एक ही केबिन क्रू में वो काम करती हुई नज़र आएगी। तो डिलीजेंट एक फ्रेंड्स के तौर पे वो नज़र आई बताई गई है, और उनकी लाइफ काफ़ी पीसफुल तरीके से जा रही होती है। लेकिन एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है उनकी लाइफ में, जहाँ पे वो सिचुएशन के चलते वो अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें ऐसी हो जाती कि वो धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें करने में मोटिवेट हो जाते, और उसके बाद में वो एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते। तब उससे किस तरह से वो कैसे बाहर निकलते उस ट्रैप से, वो सब चीज़ों में फिल्म की कहानी से ऐड की होगी। तो अब ये चीज़ें सुनने में इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है, टीजर ट्रेलर लेवल पे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है। तो फुल फीचर फिल्म काफ़ी बढ़िया रहेगी ऐसा एक अंदाज़ा लग रहा है, जहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे एक्टर्स के नाम सामने निकल के आए। टबू, करीना कपूर, प्रीति सनन, दिलजीत दोसांझ, कपिल शर्मा, राजेश शर्मा और शाश्वत चटर्जी जैसे एक्टर्स का भी नाम नज़र आया हुआ है। तो ये सभी चीज़ें तो फिल्म के साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से पेपर पे चीज़ें नज़र आ रही है। फुल फीचर फिल्म कैसी क्या रहती है और रिलीज़ के बाद पता चलेगा। इस फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा है थिएट्रिकली 29 मार्च 2024 को। जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ, उसी के ऊपर फिल्म कितना क्या रन लेती है वो डिपेंड करेगा। वैसे करीना कपूर, कृति सेनन, टबू की जो फैन फॉलोइंग है उसके हिसाब से डेफिनेटली फिल्म एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन पहले 3 दिन में करेगी। उसके बाद में रिलायंस एंटरटेनमेंट किस तरह क्या रिलीज दिलवाती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। वर्ड ऑफ माउथ इस फिल्म को लंबा रन दिला सकता है, अच्छे खासा 100 करोड़ का बेंचमार्क भी हासिल करवा सकता है। देखते हैं कि ये सभी चीज़ें इस फिल्म के साथ किस तरह से कैसे क्या जाती है। वैसे क्रू फिल्म फिलहाल में जितने भी जो कंटेंट आउट हुआ है, टीज़र, ट्रेलर, सॉन्ग्स, पोस्टर, सभी चीज़ें काफ़ी ग्लैमरस नज़र आ रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है। जो एक म्यूज़िक के तौर पे देखे या फिर अलग अलग एक्सपेक्ट के तौर पे देखे तो सभी जगह पे फिल्म परफेक्ट नज़र आ रही है। देखते कि रिलीज़ के बाद किस तरीके से क्या काम रहता है। अब थिएट्रिकल रिलीज़ तो 29 मार्च 2024 की है, तब से फिल्म थिएटर में आपको देखने को मिलेगी। बात करें OTT की तो OTT के राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने काफ़ी भारी रकम देते हुए खरीदे हुए। तो जैसे ही थिएट्रिकल रन कंप्लीट होता है 50-60 दिनों के बाद ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर क्रू नाम के साथ हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि क्रू फिल्म फिलहाल में 29 मार्च 2024 से थिएटर में रिलीज होने के लिए तैयार है। थिएट्रिकल रिलीज़ के कुछ दिनों के बाद ये फिल्म करीबन 50-60 दिनों के बाद ऑफिशियली आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे क्रू नाम के साथ इस फिल्म को अवेलेबल किया जाएगा। तो इस तरह से क्रू फिल्म आप ऑफिशियली OTT और सेटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर आसानी से एंजॉय कर पाओगे। सेटेलाइट प्लेटफॉर्म OTT रिलीज के कुछ बाद रिलीज करवाया जाएगा, उसके ऊपर इस फिल्म को रिलीज करवाया जाएगा। क्रू जो 2024 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज हाईएस्ट कॉमेडी फिल्म है। फिल्म की कास्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से की गई है, जहाँ पे टबू, करीना कपूर और कृति सेनन जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे मेन लीड एक्ट्रेस के तौर पे। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे राजेश कृष्णन, जहाँ पे
एज ए डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने इस फिल्म में काम किया और स्क्रीन प्ले भी उनके ही द्वारा तैयार किया गया है। एज ए डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने इससे पहले 2020 में लूट केस करके एक अच्छी फिल्म बनाई हुई थी। इससे पहले उन्होंने TVF की ट्रिपलिंग करके जो सीरीज थी वो डायरेक्ट की हुई थी, तो उनकी डेब्यू सीरीज थी वो भी अच्छी थी और ये भी फिल्म भी अच्छी थी। पिछली जो आई थी लूट केस कुणाल के मोस्ट स्टारर फिल्म, तो अब वो ये इस फिल्म को लेके आ रहे क्रू फिल्म को अब देखते हैं कि उनका कंटेंट किस तरह से कैसे क्या हिट करता है। जहाँ पे मेहुल सूरी और निधि मेहरा के द्वारा इस फिल्म को लिखा जा रहा है, इस फिल्म की कहानी उनके द्वारा लिखी गई है। एकता कपूर, रिया कपूर, अनिल कपूर और दिग्विजय पुरोहित के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। बालाजी मोशन पिक्चर्स, अनिल कपूर फिल्म्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे रिलायंस एंटरटेनमेंट ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है। एक मीडियम काइंड ऑफ बजट वाली फिल्म है जिसकी कास्ट में टब्बू, करीना कपूर, कृति सेनन, दिलजीत दोसांझ जैसे एक्टर लीड रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी वो अनुज राकेश धवन ने की हुई है, फिल्म की एडिटिंग है वो मनन सागर ने की हुई है जिन्होंने क्रिस्प एडिटिंग रखी हुई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग से वो दिलजीत दोसांझ, बादशाह, राज रंतोज, विशाल मिश्रा, अक्षय IP, पार्क रोहित जैसे द्वारा कंपोज करवाए गए। बैकग्राउंड स्कोर जॉन स्टीवर्ट इदूरी के द्वारा कंपोज किया हुआ है। फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो टब्बू लीड रोल में देखने को मिलती है जहां पे उन्होंने गीता सेठी का रोल प्ले किया हुआ है जो एक इन फ्लाइट सुपरवाइजर है जो कोहिनूर एयरलाइंस में है। इसके अलावा करीना कपूर खान ने इस फिल्म में जैस्मिन राणा का रोल प्ले किया हुआ है जहां पे उन्होंने सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट का रोल प्ले किया हुआ है जो कोहिनूर एयरलाइंस में काम करती हुई नजर आएगी। कृति सेनन इस फिल्म में दिव्या बाजवा का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी जो जूनियर फ्लाइट अटेंडेंट है जो कोहिनूर एयरलाइंस में काम करते थे, तीनों फ्रेंड है। इसके अलावा दिलजीत दोसांझ इस में जय सिंह राठौर का रोल प्ले किया है जो सब इंस्पेक्टर CBI ऑफिसर है। इसके अलावा कपिल शर्मा का एक स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलता है जिन्होंने राव मान सिंह का रोल प्ले किया है जो डिफॉल्टर मिलीनियर है। इसके अलावा राजेश शर्मा ने इस फिल्म में माथन मारन का रोल प्ले किया है जो कोहिनूर एयरलाइंस का CFO है। शाश्वत चटर्जी ने इस फिल्म में विजय वाल्या का रोल प्ले किया है जो कोहिनूर एयरलाइंस के चेयरमैन है। तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए। इस फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो स्टार्ट करवाई गई थी 25 मार्च 2023 को, जहां पे इस फिल्म को पूरी तरह से फरवरी 2024 तक रैप अप करवाया हुआ था। तो करीबन 9-10 महीने इस फिल्म के अलग अलग शेड्यूल्स के तहत शूटिंग रही थी जहां पे मुंबई, गोवा, अबू धाबी जैसे अलग अलग लोकेशंस पे इस फिल्म को शूट किया था। उसके बाद में म्यूजिक, डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, एडिटिंग करवाते हुए इस फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ है। जहां पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में बातचीत करें तो अलग अलग म्यूजिक कंपोजर है, जहां पे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स थे वो भी काफ़ी अच्छी खासी प्राइस में बिके हुए। तो ये सभी चीज़ें इस फिल्म के साथ एक अच्छी हिट में हुए कि फिल्म के रिलीज से पहले ही OTT राइट से, सैटेलाइट राइट से वो सभी चीज़ें बिक चुकी है। तो फिल्म ऑलरेडी प्रॉफिट में ही चल रही है। इसके अलावा फिल्म जब थिएट्रिकल रन लेगी उसके बाद ही पता चलेगा किस तरह किसे क्या कमाल करती है। वैसे टिप्स ऑफिशियल के द्वारा इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए। फिल्म के दो गाने फिलहाल में आउट हुए, एक तो नाम है नैना, दूसरा है घाघरा। तो ये दो गाने जो आउट है उसको काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस मिला हुआ है। दोनों गानों ने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी यूट्यूब पे काफ़ी व्यूज़ क्रिएट किए हुए। फर्स्ट सिंगल नैना जिसको 5 मार्च 2024 को टिप्स म्यूजिक के द्वारा रिलीज करवाया गया था, जहाँ पे
इस फिल्म का जो सेकंड गाना है घाघरा, उसको 12 मार्च 2024 को टिप्स के द्वारा रिलीज करवाया हुआ था। जो नैना गाना है उसको राज रंजोत ने लिखा हुआ है और बादशाह ने लिखा हुआ है, राज रंजोत के द्वारा म्यूजिक दिया गया था। इसके अलावा दिलजीत दोसांझ और बादशाह ने उसको गाया हुआ है। घाघरा जो गाना है वो एक रीमेक वर्जन है, राजस्थानी जो ट्रैक है, दिल्ली शहर में मारो घाघरो जो घूमियो फॉर्म है वो उसको रिक्रिएट करते हुए इसमें डाला हुआ है घाघरा गाने को, जिसको जूनो और सृष्टि तावड़े ने लिखा हुआ है, भारत ने म्यूजिक दिया हुआ है, इला अरुण और रोमी सृष्टि दावड़े उनके द्वारा गवाया गया। तो ये फिल्म के दो गाने फिलहाल में आउट हुए, ये दोनों गानों को एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है। सभी गाने आप ऑफिशियली सुन सकते हो टिप्स ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहाँ पे इस फिल्म के जो बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर बातचीत करें तो वो की हुई है जॉन स्टीवर्ट इतुरे ने। इस फिल्म का जो टीजर आउट हुआ था तब एक अच्छा एक रिस्पॉन्स हासिल हुआ था, जहाँ पे लोगों ने सराहा था कि तीन बड़े नाम एक साथ में आ रहे हैं, जहाँ पे तबू करीना कपूर और कृति सेनन का भी बेहतरीन फिल्म के एक अच्छे रोल्स में देखने को मिलने वाले। और उसके बाद में जो डायरेक्टर थे राजेश कृष्णन, उनसे भी उम्मीदें थी क्योंकि इससे पहले उन्होंने लूटकेस और जो ट्रिपलिंग बनाई हुई थी टीवीएफ की, वो भी उनकी काफ़ी शानदार रही थी। तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखते हुए एक अच्छा खासा एक इस फिल्म के थ्रू मेकर्स को भी कॉन्फिडेंस था। इसके अलावा इस फिल्म की जो कास्टिंग थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, जिसमें दिलजीत दोसांझ और कपिल शर्मा जैसे एक्टर्स के भी नाम जुड़े हुए थे। जहाँ पे इस फिल्म का जब ट्रेलर आउट हुआ तब और भी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला। ट्रेलर में जो हाइस्ट देखने को मिले, जो कॉमेडी सीन सेट किए हुए, जिस तरह से जो बैकग्राउंड स्कोर बजता है, जिस तरह से जो एक हाइस्ट में जो एक फन क्रिएट किया हुआ है, एक ह्यूमर डाला हुआ है, वो सभी चीज़ें फिल्म को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती है। इसके अलावा फिल्म में ग्लैमर भी काफ़ी भर भर के डाला हुआ है। फिल्म की लीड एक्ट्रेस के द्वारा जिस तरह से ग्लैमराइज की हुई फिल्म को, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आती है। तो सभी टाइप की ऑडियंस को फिल्म अट्रैक्ट करने में डेफिनेटली कामयाब रहने वाली। इस फिल्म को रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है और ये फिल्म डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिलीज ले सकती है। जब ये फिल्म रिलीज हो रही तब आसपास इतनी बड़ी कोई फिल्में नज़र नहीं आ रही, तो एक अच्छा रिलीज लेगी। तो अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो फिल्म का तो एक अच्छा खासा कलेक्शन कर सकती है। फिलहाल में इस फिल्म का टीजर ट्रेलर सॉन्ग जो आउट हुआ है उसको एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ है, व्यूज़ अच्छे आए हुए हैं, क्लेवर लोगों को पसंद आ रहा है, जिस तरह से कॉमेडी थी एक्टिंग थी वो लोगों को पसंद आ रही थी, ये सभी चीज़ें वो फिल्म के हित में काम करते हुए नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि फुल फीचर फिल्म में इन सभी चीज़ों को किस तरह से कैसे क्या दिखाया हुआ है। जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अनुज राकेश धवन ने की हुई है, जहाँ पे उनका कैमरा वर्क आपको डेफिनेटली पसंद आएगा, एडिटिंग है वो मनन सागर के द्वारा करवाई गई है। तो ये कुछ चीज़ें जो फिल्म के साथ में काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करने के चांसेस है। अब देखने वाली बात ये है कि इस फिल्म को फुल फीचर में किस तरह से कैसे डायरेक्टर ने दिखाया होगा। टीजर ट्रेलर काफ़ी इंटरेस्टिंग और कलरफुल और एट्रेक्टिव नज़र आ रहा है। ग्लैमर भी काफ़ी बढ़िया तरीके से टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स में डाला हुआ है। इसके अलावा ह्यूमर देखने को मिल रहा है, फनी चीज़ें भी अच्छी तरह से ऐड की हुई है, जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया जा रहा है वो इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है। स्टोरी से देखा जाए तो तीन लड़कियों के ऊपर है, जो तीन दोस्त है, एक ही एयरलाइंस में काम करती है कोहिनूर एयरलाइंस में, जहाँ पे एक ही केबिन क्रू में वो काम करती हुई नज़र आएगी। तो डिलीजेंट एक फ्रेंड्स के तौर पे वो नज़र आई बताई गई है और उनकी लाइफ काफ़ी पीसफुल तरीके से जा रही होती है, लेकिन एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है उनकी लाइफ में,
जहाँ पे वो सिचुएशन के चलते वो अनएक्सपेक्टेडली कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती कि वो धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें करने में मोटिवेट हो जाते और उसके बाद में वो एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते, तब उससे किस तरह से वो कैसे बाहर निकलते उस ट्रैप से, वो सब चीज़ों में फिल्म की कहानी से ऐड की होगी। तो अब ये चीज़ें सुनने में इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है, टीज़र ट्रेलर लेवल पे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है, तो फुल फीचर फिल्म काफ़ी बढ़िया रहेगी ऐसा एक अंदाज़ा लग रहा है, जहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे एक्टर्स के नाम सामने निकल के आए, टब्बू, करीना कपूर, प्रीति सनन, दिलजीत दोसांझ, कपिल शर्मा, राजेश शर्मा और शाश्वत चटर्जी जैसे एक्ट्रेस का भी एक्टर्स का भी नाम नज़र आया हुआ है। तो ये सभी चीज़ें तो फिल्म के साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से पेपर पे चीज़ें नज़र आ रही है। फुल फीचर फिल्म में कैसी क्या रहती है और रिलीज़ के बाद पता चलेगा। इस फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा है थिएट्रिकली 29 मार्च 2024 को। जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ, उसके ऊपर फिल्म कितना क्या रन लेती है वो डिपेंड करेगा। वैसे करीना कपूर, कृति सेनन, टबू की जो फैन फॉलोइंग है उसके हिसाब से डेफिनेटली फिल्म एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन पहले 3 दिन में करेगी। उसके बाद में रिलायंस एंटरटेनमेंट किस तरह क्या रिलीज दिलवाती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। वर्ड ऑफ माउथ इस फिल्म को लंबा रन दिला सकता है, अच्छे खासा 100 करोड़ का बेंचमार्क भी हासिल करवा सकता है। अब देखते हैं कि ये सभी चीज़ें इस फिल्म के साथ किस तरह से कैसे क्या जाती है। वैसे क्रू फिल्म फिलहाल में जितने भी जो कंटेंट आउट हुआ है, टीज़र, ट्रेलर, सॉन्ग्स, पोस्टर, सभी चीज़ें काफ़ी ग्लैमरस नज़र आ रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है। जो एक म्यूज़िक के तौर पे देखे या फिर अलग अलग एक्सपेक्ट के तौर पे देखे तो सभी जगह पे फिल्म परफेक्ट नज़र आ रही है। देखते हैं रिलीज़ के बाद किस तरीके से क्या काम रहता है। अब थिएट्रिकल रिलीज़ तो 29 मार्च 2024 की है, तब से फिल्म थिएटर में आपको देखने को मिलेगी। बात करें OTT की तो OTT के राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने काफ़ी भारी रकम देते हुए खरीदे हुए, तो जैसे ही थिएट्रिकल रन कंप्लीट होता है 50-60 दिनों के बाद ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर क्रू नाम के साथ हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि क्रू फिल्म फिलहाल में 29 मार्च 2024 से थिएटर में रिलीज़ होने के लिए तैयार है। थिएट्रिकल रिलीज़ के कुछ दिनों के बाद ये फिल्म करीबन 50-60 दिनों के बाद ऑफिशियली आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे क्रू नाम के साथ इस फिल्म को अवेलेबल किया जाएगा। तो इस तरह से क्रू फिल्म आप ऑफिशियली OTT और सेटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर आसानी से इंजॉय कर पाओगे। सेटेलाइट प्लेटफॉर्म OTT रिलीज के कुछ बाद रिलीज करवाया जाएगा, उसके ऊपर इस फिल्म को रिलीज करवाया जाएगा। क्रू जो 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज हाईएस्ट कॉमेडी फिल्म है। फिल्म की कास्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से की गई है, जहाँ पे टबू, करीना कपूर और कृति सेनन जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे मेन लीड एक्ट्रेस के तौर पे। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे राजेश कृष्णन, जहाँ पे एज अ डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने इस फिल्म में काम किया और स्क्रीन प्ले भी उनके ही द्वारा तैयार किया गया है। एज अ डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने इससे पहले 2020 में लूट केस करके एक अच्छी फिल्म बनाई हुई थी। इससे पहले उन्होंने TVF की ट्रिपलिंग करके जो सीरीज थी वो डायरेक्ट की हुई थी, तो उनकी डेब्यू सीरीज थी वो भी अच्छी थी और ये भी फिल्म भी अच्छी थी। पिछली जो आई थी लूट के कुणाल की मोस्ट स्टारर फिल्म, तो अब वो ये इस फिल्म को लेके आ रहे क्रू फिल्म को। अब देखते कि उनका कंटेंट किस तरह से कैसे क्या हिट करता है, जहाँ पे मेहुल सूरी और निधि मेहरा के द्वारा इस फिल्म को लिखा जा रहा है। इस फिल्म की कहानी उनके द्वारा लिखी गई है।
एकता कपूर, रिया कपूर, अनिल कपूर और दिग्विजय पुरोहित के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। बालाजी मोशन पिक्चर्स, अनिल कपूर फिल्म्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे रिलायंस एंटरटेनमेंट ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है। एक मीडियम काइंड ऑफ बजट वाली फिल्म है जिसके कास्ट में टब्बू, करीना कपूर, कृति सेनन, दिलजीत दोसांझ जैसे एक्टर लीड रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी वो अनुज राकेश धवन ने की हुई है, फिल्म की एडिटिंग है वो मनन सागर ने की हुई है जिन्होंने क्रिस्प एडिटिंग रखी हुई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग से वो दिलजीत दोसांझ, बादशाह, राजा, रंतोज, विशाल मिश्रा, अक्षय आईपी, पार्क रोहित जैसे द्वारा कंपोज करवाए गए। बैकग्राउंड स्कोर जॉन स्टीवर्ट दूरी के द्वारा कंपोज किया हुआ है। फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो टब्बू लीड रोल में देखने को मिलती है जहां पे उन्होंने गीता सेती का रोल प्ले किया हुआ है जो एक इन फ्लाइट सुपरवाइजर है जो कोहिनूर एयरलाइंस में है। इसके अलावा करीना कपूर खान ने इस फिल्म में जैस्मिन राणा का रोल प्ले किया हुआ है जहां पे उन्होंने सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट का रोल प्ले किया हुआ है जो कोहिनूर एयरलाइंस में काम करती हुई नजर आएगी। कृति सेनन ने इस फिल्म में दिव्या बाजवा का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी जो जूनियर फ्लाइट अटेंडेंट है जो कोहिनूर एयरलाइंस में काम करते थे, तीनों फ्रेंड है। इसके अलावा दिलजीत दोसांझ इसमें जय सिंह राठौर का रोल प्ले किया जो सब इंस्पेक्टर सीबीआई ऑफिसर है। इसके अलावा कपिल शर्मा का एक स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलता है जिन्होंने राव मान सिंह का रोल प्ले किया है जो डिफॉल्टर मिलीनियर है। इसके अलावा राजेश शर्मा ने इस फिल्म में माथन मारन का रोल प्ले किया है जो कोहिनूर एयरलाइंस का सीएफओ है। शाश्वत चटर्जी ने इस फिल्म में विजय वाल्या का रोल प्ले किया है जो कोहिनूर एयरलाइंस के चेयरमैन है। तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए। इस फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो स्टार्ट करवाई गई थी 25 मार्च 2023 को जहां पे इस फिल्म को पूरी तरह से फरवरी 2024 तक रेपअप करवाया हुआ था। तो करीबन 9-10 महीने इस फिल्म के अलग अलग शेड्यूल्स के तहत शूटिंग रही थी जहां पे मुंबई, गोवा, अबू धाबी जैसे अलग अलग लोकेशंस पे इस फिल्म को शूट किया था। उसके बाद में म्यूजिक, डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, एडिटिंग करवाते हुए इस फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ है। जहां पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में बातचीत करें तो अलग अलग म्यूजिक कंपोजर है जहां पे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट थे वो भी काफ़ी अच्छी खासी प्राइस में बिके हुए। तो ये सभी चीज़ें इस फिल्म के साथ एक अच्छी हित में हुए कि फिल्म के रिलीज से पहले ही OTT राइट से, सैटेलाइट राइट से वो सभी चीज़ें बिक चुकी है। तो फिल्म ऑलरेडी प्रॉफिट में ही चल रही है। इसके अलावा फिल्म जब थिएट्रिकल रन लेगी उसके बाद ही पता चलेगा किस तरीके से क्या कमाल करती है। वैसे टिप्स ऑफिशियल के द्वारा इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए फिल्म के दो गाने फिलहाल में आउट हुए, एक तो नाम है नैना, दूसरा है घाघरा। तो ये दो गाने जो आउट है उसको काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस मिला हुआ है। दोनों गानों ने बॉक्स ऑफिस पे यूट्यूब पे काफ़ी व्यूज़ क्रिएट किए हुए। फर्स्ट सिंगल नैना जिसको 5 मार्च 2024 को टिप्स म्यूजिक के द्वारा रिलीज करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म का जो सेकंड गाना है घाघरा उसको 12 मार्च 2024 को टिप्स के द्वारा रिलीज करवाया हुआ था। जो नैना गाना है उसको राज रंजोत ने लिखा हुआ है और बादशाह ने लिखा हुआ है, राज रंजोत के द्वारा म्यूजिक दिया गया था। इसके अलावा दिलजीत दोसांझ और बादशाह ने उसको गाया हुआ है। घाघरा जो गाना है वो एक रीमेक वर्जन है, राजस्थानी जो ट्रैक है दिल्ली शहर में मारो घाघरो जो घूमियो फॉर्म गए है वो उसको रिक्रिएट करते हुए इसमें डाला हुआ है घाघरा गाने को जिसको चूनो और षष्ठी तावड़े ने लिखा हुआ है, भारत ने म्यूजिक दिया हुआ है, इला अरुण और
रोमी सृष्टि दावड़े उनके द्वारा गवाया गया है। तो ये फिल्म के दो गाने फिलहाल में आउट हुए, ये दोनों गानों को एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है। सभी गाने आप ऑफिशियली सुन सकते हो टिप्स ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहाँ पे इस फिल्म के जो बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर बातचीत करें तो वो की हुई है जॉन स्टीवर्ट इदुरी ने। इस फिल्म का जो टीजर आउट हुआ था तब एक अच्छा एक रिस्पॉन्स हासिल हुआ था, जहाँ पे लोगों ने सराहाया था कि तीन बड़े नाम एक साथ में आ रहे हैं, जहाँ पे तबू करीना कपूर और कृति सेनन काफ़ी बेहतरीन फिल्म के एक अच्छे रोल्स में देखने को मिलने वाले। और उसके बाद में जो डायरेक्टर थे राजेश कृष्णन, उनसे भी उम्मीदें थी क्योंकि इससे पहले उन्होंने लूट के सो जो ट्रिपलिंग बनाई हुई थी TF की, वो भी उनकी काफ़ी शानदार रही थी। तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखते हुए एक अच्छा खासा एक इस फिल्म के थ्रू मेकर्स को भी कॉन्फिडेंस था। इसके अलावा इस फिल्म की जो कास्टिंग थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, जिसमें दिलजीत दोसांझ और कपिल शर्मा जैसे एक्टर्स के भी नाम जुड़े हुए थे। जहाँ पे इस फिल्म का जब ट्रेलर आउट हुआ तब और भी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला। ट्रेलर में जो हाइस्ट देखने को मिले, जो कॉमेडी सीन सेट किए हुए, जिस तरह से जो बैकग्राउंड स्कोर बजता है, जिस तरह से जो एक हाइस्ट में जो एक फन क्रिएट किया हुआ है, एक ह्यूमर डाला हुआ है, वो सभी चीज़ें फिल्म को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती है। इसके अलावा फिल्म में ग्लैमर भी काफ़ी भर भर के डाला हुआ है। फिल्म की लीड एक्ट्रेस के द्वारा जिस तरह से ग्लैमराइज की हुई फिल्म को, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आती है। तो सभी टाइप की ऑडियंस को फिल्म अट्रैक्ट करने में डेफिनेटली कामयाब रहने वाली। इस फिल्म को रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है और ये फिल्म डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिलीज ले सकती है। जब ये फिल्म रिलीज हो रही तब आसपास इतनी बड़ी कोई फिल्में नज़र नहीं आ रही, तो एक अच्छा रिलीज लेगी। तो अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो फिल्म का तो एक अच्छा खासा कलेक्शन कर सकती है। फिलहाल में इस फिल्म का टीजर ट्रेलर सॉन्ग जो आउट हुआ है उसको एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ है, व्यूज अच्छे आए हुए हैं, ग्लैमर लोगों को पसंद आ रहा है, जिस तरह से कॉमेडी थी एक्टिंग थी वो लोगों को पसंद आ रही है, ये सभी चीज़ें वो फिल्म के हित में काम करते हुए नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि फुल फीचर फिल्म इन सभी चीज़ों को किस तरह से कैसे क्या दिखाया हुआ है। जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अनुज राकेश धवन ने की हुई है, जहाँ पे उनका कैमरा वर्क आपको डेफिनेटली पसंद आएगा, एडिटिंग है वो मनन सागर के द्वारा करवाई गई है। तो ये कुछ चीज़ें जो फिल्म के साथ में काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करने के चांसेस है। अब देखने वाली बात ये है कि इस फिल्म को फुल फीचर में किस तरह से किसे डायरेक्टर ने दिखाया होगा। टीजर ट्रेलर काफ़ी इंटरेस्टिंग और कलरफुल और एट्रेक्टिव नज़र आ रहा है। ग्लैमर भी काफ़ी बढ़िया तरीके से टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स में डाला हुआ है। इसके अलावा ह्यूमर देखने को मिल रहा है, फनी चीज़ें भी अच्छी तरह से ऐड की हुई है। जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया जा रहा है वो इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है। स्टोरी से देखा जाए तो तीन लड़कियों के ऊपर है, जो तीन दोस्त है, एक ही एयरलाइंस में काम करती है कोहिनूर एयरलाइंस में, जहाँ पे एक ही केबिन क्रू में वो काम करती हुई नज़र आएगी। तो डिलीजेंट एक फ्रेंड्स के तौर पे वो नज़र आई बताई गई है, और उनकी लाइफ काफ़ी पीसफुल तरीके से जा रही होती है। लेकिन एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है उनकी लाइफ में, जहाँ पे वो सिचुएशन के चलते वो अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें ऐसी हो जाती कि वो धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें करने में मोटिवेट हो जाते, और उसके बाद में वो एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते, तब उससे किस तरह से वो कैसे बाहर निकलते उस ट्रैप से, वो सब चीज़ों में फिल्म की कहानी से ऐड की होगी। तो अब ये चीज़ें सुनने में इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है, टीजर ट्रेलर लेवल पे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है। तो फुल फीचर फिल्म काफ़ी बढ़िया रहेगी ऐसा एक अंदाज़ा लग रहा है, जहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे एक्टर्स के नाम सामने निकल के आए। टब्बू, करीना कपूर, प्रीति सेनन, दिलजीत दोसांझ, कपिल शर्मा, राजेश शर्मा और
आशा चटर्जी जैसे एक्ट्रेस का भी नाम नज़र आया हुआ है। तो ये सभी चीज़ें हैं तो फिल्म के साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से पेपर पे चीज़ें नज़र आ रही है। फुल फीचर फिल्म में कैसी क्या रहती है और रिलीज़ के बाद पता चलेगा। इस फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा है थिएट्रिकली 29 मार्च 2024 को। जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ, उसके ऊपर ये फिल्म कितना क्या रन लेती है वो डिपेंड करेगा। वैसे करीना कपूर, कृति सेनन, टबू की जो फैन फॉलोइंग है उसके हिसाब से डेफिनेटली फिल्म एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन पहले 3 दिन में करेगी। उसके बाद में रिलायंस एंटरटेनमेंट किस तरह की क्या रिलीज दिलवाते उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। वर्ड ऑफ माउथ इस फिल्म को लंबा रन दिला सकता है, अच्छे खासा 100 करोड़ का बेंचमार्क भी हासिल करवा सकता है। अब देखते हैं कि ये सभी चीज़ें इस फिल्म के साथ किस तरह से कैसे क्या जाती है। वैसे क्रू फिल्म फिलहाल में जितने भी जो कंटेंट आउट हुआ है, टीज़र, ट्रेलर, सॉन्ग्स, पोस्टर, सभी चीज़ें काफ़ी ग्लैमरस नज़र आ रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है। जो एक म्यूज़िक के तौर पे देखे या फिर अलग अलग एक्सपेक्ट के तौर पे देखे तो सभी जगह पे फिल्म परफेक्ट नज़र आ रही है। देखते हैं रिलीज़ के बाद किस तरीके से क्या काम रहता है। अब थिएट्रिकल रिलीज़ तो 29 मार्च 2024 की है, तब से फिल्म थिएटर में आपको देखने को मिलेगी। बात करें OTT की तो OTT के राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने काफ़ी भारी रकम देते हुए खरीदे हुए। तो जैसे ही थिएट्रिकल रन कंप्लीट होता है 50-60 दिनों के बाद ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर क्रू नाम के साथ हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि क्रू फिल्म फिलहाल में 29 मार्च 2024 से थिएटर में रिलीज होने के लिए तैयार है। थिएट्रिकल रिलीज़ के कुछ दिनों के बाद ये फिल्म करीबन 50-60 दिनों के बाद ऑफिशियली आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे क्रू नाम के साथ इस फिल्म को अवेलेबल किया जाएगा। तो इस तरह से क्रू फिल्म आप ऑफिशियली OTT और सेटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर आसानी से इंजॉय कर पाओगे। सेटेलाइट प्लेटफॉर्म OTT रिलीज के कुछ बाद रिलीज करवाया जाएगा, उसके ऊपर इस फिल्म को रिलीज करवाया जाएगा। क्रू जो 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज हाईएस्ट कॉमेडी फिल्म है। फिल्म की कास्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से की गई है, जहाँ पे टबू, करीना कपूर और कृति सेनन जैसे एक्ट्रेस देखने को मिलेंगे मेन लीड एक्ट्रेस के तौर पे। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे राजेश कृष्णन, जहाँ पे एज अ डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने इस फिल्म में काम किया और स्क्रीन प्ले भी उनके द्वारा तैयार किया गया है। एज अ डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने इससे पहले 2020 में लूट केस करके एक अच्छी फिल्म बनाई हुई थी। इससे पहले उन्होंने TVF की ट्रिपलिंग करके जो सीरीज थी वो डायरेक्ट की हुई थी, तो उनकी डेब्यू सीरीज थी वो भी अच्छी थी और ये भी फिल्म भी अच्छी थी। पिछली जो आई थी लूट केस, कुणाल की मोस्ट स्टारर फिल्म, तो अब वो ये इस फिल्म को लेके आ रहे क्रू फिल्म को। अब देखते हैं कि उनका कंटेंट किस तरह से कैसे क्या हिट करता है। जहाँ पे मेहुल सूरी और निधि मेहरा के द्वारा इस फिल्म को लिखा जा रहा है, इस फिल्म की कहानी उनके द्वारा लिखी गई है। एकता कपूर, रिया कपूर, अनिल कपूर और दिग्विजय पुरोहित के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। बालाजी मोशन पिक्चर्स, अनिल कपूर फिल्म्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे रिलायंस एंटरटेनमेंट ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है। एक मीडियम काइंड ऑफ बजट वाली फिल्म है, जिसकी कास्ट में टबू, करीना कपूर, कृति सेनन, दिलजीत दोसांझ जैसे एक्टर लीड रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी वो अनुज राकेश धवन ने की हुई है, फिल्म की एडिटिंग है वो मनंद सागर ने की हुई है, जिन्होंने क्रिस्प एडिटिंग रखी हुई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग है वो दिलजीत दोसांझ, बादशाह, राज, रंजोज,
विशाल मिश्रा, अक्षय आईपी, पार्क रोहित जैसे द्वारा कंपोज करवाए गए बैकग्राउंड स्कोर जॉन स्टीवर्ट दूरी के द्वारा कंपोज किया हुआ है। फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो टब्बू लीड रोल में देखने को मिलती है, जहां पे उन्होंने गीता सेठी का रोल प्ले किया हुआ है, जो एक इन फ्लाइट सुपरवाइजर है जो कोहिनूर एयरलाइंस में है। इसके अलावा करीना कपूर खान ने इस फिल्म में जैस्मिन राणा का रोल प्ले किया हुआ है, जहां पे उन्होंने सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट का रोल प्ले किया हुआ है जो कोहिनूर एयरलाइंस में काम करती हुई नजर आएगी। कृति सेनन ने इस फिल्म में दिव्या बाजवा का रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी, जो जूनियर फ्लाइट अटेंडेंट है जो कोहिनूर एयरलाइंस में काम करते थे, तीनों फ्रेंड है। इसके अलावा दिलजीत दोसांझ इसमें जय सिंह राठौर का रोल प्ले किया है, जो सब इंस्पेक्टर सीबीआई ऑफिसर है। इसके अलावा कपिल शर्मा का एक स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलता है, जिन्होंने राव मान सिंह का रोल प्ले किया है जो डिफॉल्टर मिलीनियर है। इसके अलावा राजेश शर्मा ने इस फिल्म में माथन मारन का रोल प्ले किया है जो कोहिनूर एयरलाइंस का सीएफओ है। शाश्वत चटर्जी ने इस फिल्म में विजय वाल्या का रोल प्ले किया है जो कोहिनूर एयरलाइंस के चेयरमैन है। तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए। इस फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो स्टार्ट करवाई गई थी 25 मार्च 2023 को, जहां पे इस फिल्म को पूरी तरह से फरवरी 2024 तक रेपअप करवाया हुआ था। तो करीबन 9-10 महीने इस फिल्म के अलग अलग शेड्यूल्स के तहत शूटिंग रही थी, जहां पे मुंबई, गोवा, अबू धाबी जैसे अलग अलग लोकेशंस पे इस फिल्म को शूट किया था। उसके बाद में म्यूजिक, डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, एडिटिंग करवाते हुए इस फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ है। जहां पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में बातचीत करें तो अलग अलग म्यूजिक कंपोजर है, जहां पे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट थे वो भी काफ़ी अच्छी खासी प्राइस में बिके हुए। तो ये सभी चीज़ें इस फिल्म के साथ एक अच्छी हिट में हुए कि फिल्म के रिलीज से पहले ही OTT राइट से, सैटेलाइट राइट से वो सभी चीज़ें बिक चुकी है। तो फिल्म ऑलरेडी प्रॉफिट में ही चल रही है। इसके अलावा फिल्म जब थिएट्रिकल रन लेगी उसके बाद ही पता चलेगा किस तरीके से क्या कमाल करती है। वैसे टिप्स ऑफिशियल के द्वारा इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए। फिल्म के दो गाने फिलहाल में आउट हुए, एक तो नाम है नैना, दूसरा है घाघरा। तो ये दो गाने जो आउट है उसको काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस मिला हुआ है। दोनों गानों ने यूट्यूब पे काफ़ी व्यूज़ क्रिएट किए हुए। फर्स्ट सिंगल नैना, जिसको 5 मार्च 2024 को टिप्स म्यूजिक के द्वारा रिलीज करवाया गया था, जहां पे इस फिल्म का जो सेकंड गाना है घाघरा उसको 12 मार्च 2024 को टिप्स के द्वारा रिलीज करवाया हुआ था। जो नैना गाना है उसको राज रंजोद ने लिखा हुआ है और बादशाह ने लिखा हुआ है, राज रंजोद के द्वारा म्यूजिक दिया गया था। इसके अलावा दिलजीत दोसांझ और बादशाह ने उसको गाया हुआ है। घाघरा जो गाना है वो एक रीमेक वर्जन है, राजस्थानी जो ट्रैक है, दिल्ली शहर में मारो घाघरो जो घूमियो फॉर्म गए है वो उसको रिक्रिएट करते हुए इसमें डाला हुआ है घाघरा गाने को, जिसको जूनो और सृष्टि तावड़े ने लिखा हुआ है, भारत ने म्यूजिक दिया हुआ है। इला अरुण और रोमी षष्टि दावड़े उनके द्वारा गवाया गया। तो ये फिल्म के दो गाने फिलहाल में आउट हुए, ये दोनों गानों को एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है। सभी गाने आप ऑफिशियली सुन सकते हो टिप्स ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहाँ पे इस फिल्म के जो बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर बातचीत करें तो वो की हुई है जॉन स्टीवर्ट इदुरी ने। इस फिल्म का जो टीजर आउट हुआ था तब एक अच्छा एक रिस्पांस हासिल हुआ था, जहाँ पे लोगों ने सराहा था कि तीन बड़े नाम एक साथ में आ रहे, जहाँ पे तबू, करीना कपूर और कृति सेनन काफ़ी बेहतरीन फिल्म के एक अच्छे रोल्स में देखने को मिलने वाले।
और उसके बाद में जो डायरेक्टर थे राजेश कृष्णन, उनसे भी उम्मीदें थी क्योंकि इससे पहले उन्होंने लूट केस और जो ट्रिपलिंग बनाई हुई थी टीएफ की, वो भी उनकी काफ़ी शानदार रही थी। तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखते हुए एक अच्छा खासा एक इस फिल्म के स्वरूप मेकर्स को भी कॉन्फिडेंस था। इसके अलावा इस फिल्म की जो कास्टिंग थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, जिसमें दिलजीत दोसांझ और कपिल शर्मा जैसे एक्टर्स के भी नाम जुड़े हुए थे। जहाँ पे इस फिल्म का जब ट्रेलर आउट हुआ तब और भी बेहतरीन रिस्पांस मिला। ट्रेलर में जो हाइस्ट देखने को मिले, जो कॉमेडी सीन सेट किए हुए, जिस तरह से जो बैकग्राउंड स्कोर बजता है, जिस तरह से जो एक हाइस्ट में जो एक फन क्रिएट किया हुआ, एक ह्यूमर डाला हुआ है, वो सभी चीज़ें फिल्म को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती है। इसके अलावा फिल्म में ग्लैमर भी काफ़ी भर भर के डाला हुआ है। फिल्म की लीड एक्ट्रेस के द्वारा जिस तरह से ग्लैमराइज की हुई फिल्म को, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आती है। तो सभी टाइप के ऑडियंस को फिल्म अट्रैक्ट करने में डेफिनेटली कामयाब रहने वाली। इस फिल्म को रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है और ये फिल्म डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिलीज ले सकती है। जब ये फिल्म रिलीज हो रही है तब आसपास इतनी बड़ी कोई फिल्म में नज़र नहीं आ रही, तो एक अच्छा रिलीज लेगी। तो अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो फिल्म का तो एक अच्छा खासा कलेक्शन कर सकती है। फिलहाल में इस फिल्म का टीजर ट्रेलर सॉन्ग जो आउट हुआ है उसको एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ है, व्यूज अच्छे आए हुए हैं, ग्लैमर लोगों को पसंद आ रहा है, जिस तरह से कॉमेडी थी, एक्टिंग थी, वो लोगों को पसंद आ रही थी। ये सभी चीज़ें वो फिल्म के हित में काम करते हुए नज़र आ रही है। अब देखते कि फुल फीचर फिल्म में इन सभी चीज़ों को किस तरह से कैसे क्या दिखाया हुआ है। जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अनुज राकेश धवन ने की हुई है, जहाँ पे उनका कैमरा वर्क आपको डेफिनेटली पसंद आएगा, एडिटिंग है वो मनन सागर के द्वारा करवाई गई है। तो ये कुछ चीज़ें जो फिल्म के साथ में काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करने के चांसेस है। अब देखने वाली बात ये है कि इस फिल्म को फुल फीचर में किस तरह से कैसे डायरेक्टर ने दिखाया होगा। टीजर ट्रेलर काफ़ी इंटरेस्टिंग और कलरफुल और एट्रेक्टिव नज़र आ रहा है। ग्लैमर भी काफ़ी बढ़िया तरीके से टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स में डाला हुआ है। इसके अलावा ह्यूमर देखने को मिल रहा है, फनी चीज़ें भी अच्छी तरह से ऐड की हुई है। जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया जा रहा है वो इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है। स्टोरी से देखा जाए तो तीन लड़कियों के ऊपर जो तीन दोस्त है, एक ही एयरलाइंस में काम करती है कोहिनूर एयरलाइंस में, जहाँ पे एक ही केबिन क्रू में वो काम करती हुई नज़र आएगी। तो डिलीजेंट एक फ्रेंड्स के तौर पे वो नज़र आई बताई गई है और उनकी लाइफ काफ़ी पीसफुल तरीके से जा रही होती है। लेकिन एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है उनकी लाइफ में, जहाँ पे वो सिचुएशन के चलते वो अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें ऐसी हो जाती कि वो धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें करने में मोटिवेट हो जाते और उसके बाद में वो एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते। तब उससे किस तरह से वो कैसे बाहर निकलते उस ट्रैप से, वो सब चीज़ों में फिल्म की कहानी से ऐड की होगी। तो अब ये चीज़ें सुनने में इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है, टीजर ट्रेलर लेवल पे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है। तो फुल फीचर फिल्म काफ़ी बढ़िया रहेगी ऐसा एक अंदाज़ा लग रहा है, जहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे एक्टर्स के नाम सामने निकल के आए। टबू, करीना कपूर, प्रीति सनन, दिलजीत दोसांझ, कपिल शर्मा, राजेश शर्मा और शाश्वत चटर्जी जैसे एक्टर्स का भी नाम नज़र आया हुआ है। तो ये सभी चीज़ें तो फिल्म के साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से पेपर पे चीज़ें नज़र आ रही है। फुल फीचर फिल्म में कैसी क्या रहती है और रिलीज़ के बाद पता चलेगा। इस फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा है थिएट्रिकली 29 मार्च 2024 को। जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ, उसके ऊपर ये फिल्म कितना क्या रन लेती है वो डिपेंड करेगा। वैसे करीना कपूर, कृति सेनन, टबू की जो फैन फॉलोइंग है उसके हिसाब से डेफिनेटली फिल्म एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन पहले 3 दिन में करेगी।
उसके बाद में रिलायंस एंटरटेनमेंट किस तरह की क्या रिलीज दिलवाते उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। वर्ड ऑफ माउथ इस फिल्म को लंबा रन दिला सकता है, अच्छे खासा 100 करोड़ का बेंचमार्क भी हासिल करवा सकता है। देखते कि ये सभी चीज़ें इस फिल्म के साथ किस तरह से कैसे क्या जाती है। वैसे क्रू फिल्म फिलहाल में जितने भी जो कंटेंट आउट हुआ है, टीजर, ट्रेलर, सॉन्ग्स, पोस्टर, सभी चीज़ें काफ़ी ग्लैमरस नज़र आ रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है। जो एक म्यूज़िक के तौर पे देखे या फिर अलग अलग एक्सपेक्ट के तौर पे देखे तो सभी जगह पे फिल्म परफेक्ट नज़र आ रही है। देखते कि रिलीज़ के बाद किस कैसे क्या काम रहता है। अब थिएट्रिकल रिलीज़ तो 29 मार्च 2024 की है, तब से फिल्म थिएटर में आपको देखने को मिलेगी। बात करें OTT की तो OTT के राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने काफ़ी भारी रकम देते हुए खरीदे हुए। तो जैसे ही थिएट्रिकल रन कंप्लीट होता है 50-60 दिनों के बाद ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर क्रू नाम के साथ हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि क्रू फिल्म फिलहाल में 29 मार्च 2024 से थिएटर में रिलीज होने के लिए तैयार है। थिएट्रिकल रिलीज़ के कुछ दिनों के बाद ये फिल्म करीबन 50-60 दिनों के बाद ऑफिशियली आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे क्रू नाम के साथ इस फिल्म को अवेलेबल किया जाएगा। तो इस तरह से क्रू फिल्म आप ऑफिशियली OTT और सेटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर आसानी से एंजॉय कर पाओगे। सेटेलाइट प्लेटफॉर्म OTT रिलीज कुछ बाद रिलीज करवाया जाएगा, उसके ऊपर इस फिल्म को रिलीज करवाया जाएगा। क्रू जो 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज हाईएस्ट कॉमेडी फिल्म है। फिल्म की कास्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से की गई है, जहाँ पे टबू, करीना कपूर और कृति सेनन जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे मेन लीड एक्ट्रेस के तौर पे। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं राजेश कृष्णन, जहाँ पे एज अ डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने इस फिल्म में काम किया और स्क्रीन प्ले भी उनके द्वारा तैयार किया गया है। एज अ डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने इससे पहले 2020 में लूट केस करके एक अच्छी फिल्म बनाई हुई थी। इससे पहले उन्होंने TVF की ट्रिपलिंग करके जो सीरीज थी वो डायरेक्ट की हुई थी, तो उनकी ये डेब्यू सीरीज थी वो भी अच्छी थी और ये भी फिल्म भी अच्छी थी। पिछली जो आई थी लूट के कुणाल खेमू स्टारर फिल्म, तो अब वो ये इस फिल्म को लेके आ रहे क्रू फिल्म को। अब देखते हैं कि उनका कंटेंट किस तरह से कैसे क्या हिट करता है। जहाँ पे मेहुल सूरी और निधि मेहरा के द्वारा इस फिल्म को लिखा जा रहा है, इस फिल्म की कहानी उनके द्वारा लिखी गई है। एकता कपूर, रिया कपूर, अनिल कपूर और दिग्विजय पुरोहित के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। बालाजी मोशन पिक्चर्स, अनिल कपूर फिल्म्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे रिलायंस एंटरटेनमेंट ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है। एक मीडियम काइंड ऑफ बजट वाली फिल्म है, जिसकी कास्ट में टबू, करीना कपूर, कृति सेनन, दिलजीत दोसांझ जैसे एक्टर लीड रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी है वो अनुज राकेश धवन ने की हुई है, फिल्म की एडिटिंग है वो मनन सागर ने की हुई है जिन्होंने क्रिस्प एडिटिंग रखी हुई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग्स है वो दिलजीत दोसांझ, बादशाह, राज, रंतोज, विशाल मिश्रा, अक्षय IP, पार्क रोहित जैसे द्वारा कंपोज करवाए गए। बैकग्राउंड स्कोर जॉन स्टीवर्ट इंदूरी के द्वारा कंपोज किया हुआ है। फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो टब्बू लीड रोल में देखने को मिलती है, जहां पे उन्होंने गीता सेठी का रोल प्ले किया हुआ है, जो एक इन फ्लाइट सुपरवाइजर है जो कोहिनूर एयरलाइंस में है। इसके अलावा करीना कपूर खान ने इस फिल्म में जैस्मिन राणा का रोल प्ले किया हुआ है, जहां पे उन्होंने सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट का रोल प्ले किया हुआ है जो कोहिनूर एयरलाइंस में काम करती हुई नजर आएगी।
कृति सनन इस फिल्म में दिव्या बाजवा का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी, जो जूनियर फ्लाइट अटेंडेंट है जो कोहिनूर एयरलाइंस में काम करते थे। तीनों फ्रेंड है। इसके अलावा दिलजीत दोसांझ इसमें जय सिंह राठौर का रोल प्ले किया जो सब इंस्पेक्टर सीबीआई ऑफिसर है। इसके अलावा कपिल शर्मा का एक स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलता है, जिन्होंने राव मान सिंह का रोल प्ले किया जो डिफॉल्टर मिलीनियर है। इसके अलावा राजेश शर्मा ने इस फिल्म में माथन मारन का रोल प्ले किया है जो कोहिनूर एयरलाइंस का सीएफओ है। शाश्वत चटर्जी ने इस फिल्म में विजय वाल्या का रोल प्ले किया है जो कोहिनूर एयरलाइंस के चेयरमैन है। तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए। इस फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो स्टार्ट करवाई गई थी 25 मार्च 2023 को, जहां पे इस फिल्म को पूरी तरह से फरवरी 2024 तक रेपअप करवाया हुआ था। तो करीबन 9-10 महीने इस फिल्म के अलग अलग शेड्यूल्स के तहत शूटिंग रही थी, जहां पे मुंबई, गोवा, अबू धाबी जैसे अलग अलग लोकेशंस पे इस फिल्म को शूट किया था। उसके बाद में म्यूजिक, डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, एडिटिंग करवाते हुए इस फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ है। जहां पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में बातचीत करें तो अलग अलग म्यूजिक कंपोजर है, जहां पे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स थे वो भी काफ़ी अच्छी खासी प्राइस में बिके हुए। तो ये सभी चीज़ें इस फिल्म के साथ एक अच्छी हिट में हुए कि फिल्म के रिलीज से पहले ही OTT राइट से, सैटेलाइट राइट से वो सभी चीज़ें बिक चुकी है। तो फिल्म ऑलरेडी प्रॉफिट में ही चल रही है। इसके अलावा फिल्म जब थिएट्रिकल रन लेगी उसके बाद ही पता चलेगा कि किस तरीके से क्या कमाल करती है। वैसे टिप्स ऑफिशियल के द्वारा इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए फिल्म के दो गाने फिलहाल में आउट हुए, एक तो नाम है नैना, दूसरा है घाघरा। तो ये दो गाने जो आउट हुए उसको काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस मिला हुआ है। दोनों गानों ने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी यूट्यूब पे काफ़ी व्यूज़ क्रिएट किए हुए। फर्स्ट सिंगल नैना जिसको 5 मार्च 2024 को टिप्स म्यूजिक के द्वारा रिलीज करवाया गया था, जहाँ पे इस फिल्म का जो सेकंड गाना है घाघरा उसको 12 मार्च 2024 को टिप्स के द्वारा रिलीज करवाया हुआ था। जो नैना गाना है उसको राज रंजोत ने लिखा हुआ है और बादशाह ने लिखा हुआ है, राज रंजोत के द्वारा म्यूजिक दिया गया था। इसके अलावा दिलजीत दोसांझ और पासा ने उसको गाया हुआ है। घाघरा जो गाना है वो एक रीमेक वर्जन है, राजस्थानी जो ट्रैक है दिल्ली शहर में मारो घाघरो जो घूमियो फॉर्म गए है वो उसको रिक्रिएट करते हुए इसमें डाला हुआ है घाघरा गाने को, जिसको जूनो और षष्ठी तावड़े ने लिखा हुआ है, पार्क ने म्यूजिक दिया हुआ है, इला अरुण और रोमी षष्ठी दावड़े उनके द्वारा गवाया गया है। तो ये फिल्म के दो गाने फिलहाल में आउट हुए, ये दोनों गानों को एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है। सभी गाने आप ऑफिशियली सुन सकते हो टिप्स ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहाँ पे इस फिल्म के जो बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर बातचीत करें तो वो की हुई है जॉन स्टीवर्ट इदूरी ने। इस फिल्म का जो टीजर आउट हुआ था तब एक अच्छा एक रिस्पांस हासिल हुआ था, जहाँ पे लोगों ने सराहाया था कि तीन बड़े नाम एक साथ में आ रहे, जहाँ पे तबू करीना कपूर और कृति सेनन काफ़ी बेहतरीन फिल्म के एक अच्छे रोल्स में देखने को मिलने वाले। और उसके बाद में जो डायरेक्टर थे राजेश कृष्णन उनसे भी उम्मीदें थी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने लूट केस और जो ट्रिपलिंग बनाई हुई थी TF की वो भी उनकी काफ़ी शानदार रही थी। तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखते हुए एक अच्छा खासा एक इस फिल्म के थ्रू मेकर्स को भी कॉन्फिडेंस था। इसके अलावा इस फिल्म की जो कास्टिंग थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, जिसमें दिलजीत दोसांझ और कपिल शर्मा जैसे एक्टर्स के भी नाम जुड़े हुए थे।
जहाँ पे इस फिल्म का जब ट्रेलर आउट हुआ तब और भी बेहतरीन रिस्पांस मिला। ट्रेलर में जो हाइट देखने को मिले, जो कॉमेडी सीन सेट किए हुए, जिस तरह से जो बैकग्राउंड स्कोर बजता है, जिस तरह से जो एक हाइट में जो एक फन क्रिएट किया हुआ है, एक ह्यूमर डाला हुआ है, वो सभी चीज़ें फिल्म को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती है। इसके अलावा फिल्म में ग्लैमर भी काफ़ी भर भर के डाला और फिल्म की लीड एक्ट्रेस के द्वारा जिस तरह से ग्लैमराइज की हुई फिल्म को, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आती है। तो सभी टाइप की ऑडियंस को ये फिल्म अट्रैक्ट करने में डेफिनेटली कामयाब रहने वाली। इस फिल्म को रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है और ये फिल्म डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिलीज ले सकती है। जब ये फिल्म रिलीज हो रही है तब आसपास इतनी बड़ी कोई फिल्में नजर नहीं आ रही, तो एक अच्छा रिलीज लेगी। तो अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो फिल्म का तो एक अच्छा खासा कलेक्शन कर सकती है। फिलहाल में इस फिल्म का टीजर ट्रेलर सॉन्ग जो आउट हुआ है उसको एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ है, व्यूज अच्छे आए हुए हैं, क्लेवर लोगों को पसंद आ रहा है, जिस तरह से कॉमेडी थी, एक्टिंग थी, वो लोगों को पसंद आ रही थी। ये सभी चीज़ें वो फिल्म के हित में काम करते हुए नज़र आ रही है। अब देखते कि फुल फीचर फिल्म में इन सभी चीज़ों को किस तरह से कैसे क्या दिखाया हुआ है। जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अनुज राकेश धवन ने की हुई है, जहाँ पे उनका कैमरा वर्क आपको डेफिनेटली पसंद आएगा, एडिटिंग है वो मनन सागर के द्वारा करवाई गई है, तो ये कुछ चीज़ें जो फिल्म के साथ में काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करने के चांसेस है। अब देखने वाली बात ये है कि इस फिल्म को फुल फीचर में किस तरह से कैसे डायरेक्टर ने दिखाया होगा। टीजर ट्रेलर काफ़ी इंटरेस्टिंग और कलरफुल और एट्रेक्टिव नज़र आ रहा है। ग्लैमर भी काफ़ी बढ़िया तरीके से टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स में डाला हुआ है। इसके अलावा ह्यूमर देखने को मिल रहा है, फनी चीज़ें भी अच्छी तरह से ऐड की हुई है। जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया जा रहा है वो इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है। स्टोरी जैसे देखा जाए तो तीन लड़कियों के ऊपर जो तीन दोस्त है, एक ही एयरलाइंस में काम करती है कोहिनूर एयरलाइंस में, जहाँ पे एक ही केबिन क्रू में वो काम करती हुई नज़र आएगी, तो डिलीजेंट एक फ्रेंड्स के तौर पे वो नज़र आई बताई गई है। और उनकी लाइफ काफ़ी पीसफुल तरीके से जा रही होती है, लेकिन एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है उनकी लाइफ में, जहाँ पे वो सिचुएशन के चलते वो अनएक्सपेक्टेडली कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती कि वो धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें करने में मोटिवेट हो जाते और उसके बाद में वो एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते। तब तो उससे किस तरह से वो कैसे बाहर निकलते उस ट्रैप से, वो सब चीज़ों में फिल्म की कहानी से ऐड किए होगी। तो अब ये चीज़ें सुनने में इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है, टीजर ट्रेलर लेवल पे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है, तो फुल फीचर फिल्म काफ़ी बढ़िया रहेगी ऐसा एक अंदाज़ा लग रहा है। जहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे एक्टर्स के नाम सामने निकल के आए, टबू, करीना कपूर, प्रीति सनन, दिलजीत दोसांझ, कपिल शर्मा, राजेश शर्मा और आशा चटर्जी जैसी एक्ट्रेस का भी नाम नज़र आया हुआ है। तो ये सभी चीज़ें तो फिल्म के साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से पेपर पे चीज़ें नज़र आ रही है। फुल फीचर फिल्म कैसी क्या रहती है और रिलीज़ के बाद पता चलेगा। इस फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा है थिएट्रिकली 29 मार्च 2024 को। जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ, उसके ऊपर ये फिल्म कितना क्या रन लेती है वो डिपेंड करेगा। वैसे करीना कपूर, कृति सेनन, टबू की जो फैन फॉलोइंग है उसके हिसाब से डेफिनेटली फिल्म एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन पहले 3 दिन में करेगी। उसके बाद में रिलायंस एंटरटेनमेंट किस तरह क्या रिलीज दिलवाते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। वर्ड ऑफ माउथ इस फिल्म को लंबा रन दिला सकता है, अच्छे खासा 100 करोड़ का बेंचमार्क भी हासिल करवा सकता है। देखते हैं कि ये सभी चीज़ें इस फिल्म के साथ किस तरह से कैसे क्या जाती है। वैसे क्रू फिल्म फिलहाल में जितने भी जो कंटेंट आउट हुआ है, टीजर, ट्रेलर, सॉन्ग्स, पोस्टर, सभी चीज़ें काफ़ी ग्लैमरस नज़र आ रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है। जो
एक म्यूजिक के तौर पे देखे या फिर अलग अलग एक्सपेक्ट के तौर पे देखे तो सभी जगह पे फिल्म परफेक्ट नजर आ रही है। देखते कि रिलीज के बाद किस तरीके से क्या काम रहता है। अब थिएट्रिकल रिलीज तो 29 मार्च 2024 की है, तब से फिल्म थिएटर में आपको देखने को मिलेगी। बात करें OTT की तो OTT के राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने काफ़ी भारी रकम देते हुए खरीदे हुए, तो जैसे ही थिएट्रिकल रन कंप्लीट होता है 50-60 दिनों के बाद ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर क्रू नाम के साथ हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि क्रू फिल्म फिलहाल में 29 मार्च 2024 से थिएटर में रिलीज होने के लिए तैयार है। थिएट्रिकल रिलीज के कुछ दिनों के बाद ये फिल्म करीबन 50-60 दिनों के बाद ऑफिशियली आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे क्रू नाम के साथ इस फिल्म को अवेलेबल किया जाएगा। तो इस तरह से क्रू फिल्म आप ऑफिशियली OTT और सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर आसानी से एंजॉय कर पाओगे। सैटेलाइट प्लेटफॉर्म OTT रिलीज के कुछ बाद रिलीज करवाया जाएगा, उसके ऊपर इस फिल्म को रिलीज करवाया जाएगा। क्रू जो 2024 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज हाईएस्ट कॉमेडी फिल्म है। फिल्म की कास्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से की गई है, जहाँ पे टबू, करीना कपूर और कृति सेनन जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे मेन लीड एक्ट्रेस के तौर पे। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे राजेश कृष्णन, जहाँ पे एज अ डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने इस फिल्म में काम किया और स्क्रीन प्ले भी उनके ही द्वारा तैयार किया गया है। एज अ डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने इससे पहले 2020 में लूट केस करके एक अच्छी फिल्म बनाई हुई थी। इससे पहले उन्होंने TVF की ट्रिपलिंग करके जो सीरीज थी वो डायरेक्ट की हुई थी, तो उनकी डेब्यू सीरीज थी वो भी अच्छी थी और ये भी फिल्म भी अच्छी थी। पिछली जो आई थी लूट केस कुणाल की मोस्ट स्टारर फिल्म, तो अब वो ये इस फिल्म को लेके आ रहे क्रू फिल्म को। अब देखते हैं कि उनका कंटेंट कैसे क्या हिट करता है। जहाँ पे मेहुल सूरी और निधि मेहरा के द्वारा इस फिल्म को लिखा जा रहा है, इस फिल्म की कहानी उनके द्वारा लिखी गई है। एकता कपूर, रिया कपूर, अनिल कपूर और दिग्विजय पुरोहित के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। बालाजी मोशन पिक्चर्स, अनिल कपूर फिल्म्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे रिलायंस एंटरटेनमेंट ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है। एक मीडियम काइंड ऑफ बजट वाली फिल्म है, जिसकी कास्ट में टबू, करीना कपूर, कृति सेनन, दिलजीत दोसांझ जैसे एक्टर लीड रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी वो अनुज राकेश धवन ने की हुई है, फिल्म की एडिटिंग है वो मनन सागर ने की हुई है जिन्होंने क्रिस्प एडिटिंग रखी हुई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग्स है वो दिलजीत दोसांझ, बादशाह, राज, रंतोज, विशाल मिश्रा, अक्षय IP, पार्क रोहित जैसे द्वारा कंपोज करवाए गए। बैकग्राउंड स्कोर जॉन स्टीवर्ट दूरी के द्वारा कंपोज किया हुआ है। फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो टब्बू लीड रोल में देखने को मिलती है, जहां पे उन्होंने गीता सेती का रोल प्ले किया हुआ है, जो एक इन फ्लाइट सुपरवाइजर है जो कोहिनूर एयरलाइंस में है। इसके अलावा करीना कपूर खान ने इस फिल्म में जैस्मिन राणा का रोल प्ले किया हुआ है, जहां पे उन्होंने सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट का रोल प्ले किया हुआ है जो कोहिनूर एयरलाइंस में काम करती हुई नजर आएगी। कृति सेनन ने इस फिल्म में दिव्या बाजवा का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी, जो जूनियर फ्लाइट अटेंडेंट है जो कोहिनूर एयरलाइंस में काम करते थे, तीनों फ्रेंड है। इसके अलावा दिलजीत दोसांझ इसमें जय सिंह राठौर का रोल प्ले किया है, जो सब इंस्पेक्टर CBI ऑफिसर है। इसके अलावा कपिल शर्मा का एक स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलता है, जिन्होंने राव मान सिंह का रोल प्ले किया है जो डिफॉल्टर मिलीनियर है। इसके अलावा राजेश शर्मा ने इस फिल्म में माथन मारन का रोल प्ले किया है जो कोहिनूर एयरलाइंस का CFO है।
साशो चटर्जी ने इस फिल्म में विजय वाल्या का रोल प्ले किया हुआ है, जो कोहिनूर एयरलाइंस के चेयरमैन है। तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए। इस फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो स्टार्ट करवाई गई थी 25 मार्च 2023 को, जहां पे इस फिल्म को पूरी तरह से फरवरी 2024 तक रेपअप करवाया हुआ था। तो करीबन 9-10 महीने इस फिल्म के अलग अलग शेड्यूल्स के तहत शूटिंग रही थी, जहां पे मुंबई, गोवा, अबू धाबी जैसे अलग अलग लोकेशंस पे इस फिल्म को शूट किया था। उसके बाद में म्यूजिक, डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, एडिटिंग करवाते हुए इस फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ है। जहां पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में बातचीत करें तो अलग अलग म्यूजिक कंपोजर है, जहां पे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स थे वो भी काफ़ी अच्छी खासी प्राइस में बिके हुए। तो ये सभी चीज़ें इस फिल्म के साथ एक अच्छी हिट में हुए कि फिल्म के रिलीज से पहले ही OTT राइट्स से, सैटेलाइट राइट्स से वो सभी चीज़ें बिक चुकी है। तो फिल्म ऑलरेडी प्रॉफिट में ही चल रही है। इसके अलावा फिल्म जब थिएट्रिकल रन लेगी उसके बाद ही पता चलेगा कि किससे क्या कमाल करती है। वैसे टिप्स ऑफिशियल के द्वारा इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए फिल्म के दो गाने फिलहाल में आउट हुए, एक तो नाम है नैना, दूसरा है घाघरा। तो ये दो गाने जो आउट हुए उसको काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस मिला हुआ है। दोनों गानों ने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी यूट्यूब पे काफ़ी व्यूज़ क्रिएट किए हुए। फर्स्ट सिंगल नैना, जिसको 5 मार्च 2024 को टिप्स म्यूजिक के द्वारा रिलीज करवाया गया था, जहाँ पे इस फिल्म का जो सेकंड गाना है घाघरा उसको 12 मार्च 2024 को टिप्स के द्वारा रिलीज करवाया हुआ था। जो नैना गाना है उसको राज रंजोत ने लिखा हुआ है और बादशाह ने लिखा हुआ है, राज रंजोत के द्वारा म्यूजिक दिया गया था। इसके अलावा दिलजीत दोसांझ और पासा ने उसको गाया हुआ है। घाघरा जो गाना है वो एक रीमेक वर्जन है, राजस्थानी जो ट्रैक है, दिल्ली शहर में मारो घाघरो जो घूमियो फॉर्म है वो उसको रिक्रिएट करते हुए इसमें डाला हुआ है घाघरा गाने को, जिसको चूनो और सृष्टि तावड़े ने लिखा हुआ है, बाहर ने म्यूजिक दिया हुआ है, इला अरुण और रोमी सृष्टी दावड़े उनके द्वारा गवाया गया। तो ये फिल्म के दो गाने फिलहाल में आउट हुए, ये दोनों गानों को एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है। सभी गाने आप ऑफिशियली सुन सकते हो टिप्स ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहाँ पे इस फिल्म के जो बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर बातचीत करें तो वो की हुई है जॉन स्टीवर्ट इदुरे ने। इस फिल्म का जो टीजर आउट हुआ था तब एक अच्छा एक रिस्पांस हासिल हुआ था, जहाँ पे लोगों ने सराहाया था कि तीन बड़े नाम एक साथ में आ रहे हैं, जहाँ पे तबू करीना कपूर और कृति सेनन का भी बेहतरीन फिल्म के एक अच्छे रोल्स में देखने को मिलने वाले। और उसके बाद में जो डायरेक्टर थे राजेश कृष्णन, उनसे भी उम्मीदें थी क्योंकि इससे पहले उन्होंने लूट के सो जो ट्रिपलिंग बनाई हुई थी TVF की वो भी उनकी काफ़ी शानदार रही थी। तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखते हुए एक अच्छा खासा एक इस फिल्म के थ्रू मेकर्स को भी कॉन्फिडेंस था। इसके अलावा इस फिल्म की जो कास्टिंग थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, जिसमें दिलजीत दोसांझ और कपिल शर्मा जैसे एक्टर्स के भी नाम जुड़े हुए थे। जहाँ पे इस फिल्म का जब ट्रेलर आउट हुआ तब और भी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला। ट्रेलर में जो हाइट देखने को मिले, जो कॉमेडी सीन सेट किए हुए, जिस तरह से जो बैकग्राउंड स्कोर बजता है, जिस तरह से जो एक हाइट में जो एक फन क्रिएट किया हुआ है, एक ह्यूमर डाला हुआ है, वो सभी चीज़ें फिल्म को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती है। इसके अलावा फिल्म में ग्लैमर भी काफ़ी भर भर के डाला हुआ है। फिल्म की लीड एक्ट्रेस के द्वारा जिस तरह से ग्लैमराइज की हुई फिल्म को, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आती है। तो सभी टाइप की ऑडियंस को ये फिल्म अट्रैक्ट करने में डेफिनेटली कामयाब रहने वाली। इस फिल्म को रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है और ये
फिल्म डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिलीज ले सकती है। जब ये फिल्म रिलीज हो रही तब आसपास इतनी बड़ी कोई फिल्में नजर नहीं आ रही, तो एक अच्छा रिलीज लेगी। तो अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो फिल्म का तो एक अच्छा खासा कलेक्शन कर सकती है। फिलहाल में इस फिल्म का टीजर ट्रेलर सॉन्ग जो आउट हुआ है उसको एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ है, व्यूज अच्छे आए हुए, ग्लैमर लोगों को पसंद आ रहा है, जिस तरह से कॉमेडी थी, एक्टिंग थी वो लोगों को पसंद आ रही थी, ये सभी चीज़ें वो फिल्म के हित में काम करती हुई नजर आ रही है। अब देखते हैं कि फुल फीचर फिल्म में इन सभी चीज़ों को किस तरह से कैसे क्या दिखाया हुआ है। जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अनुज राकेश धवन ने की हुई है, जहाँ पे उनका कैमरा वर्क आपको डेफिनेटली पसंद आएगा, एडिटिंग है वो मनन सागर के द्वारा करवाई गई है, तो ये कुछ चीज़ें जो फिल्म के साथ में काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करने के चांसेस है। अब देखने वाली बात यह है कि इस फिल्म को फुल फीचर में किस तरह से कैसे डायरेक्टर ने दिखाया होगा। टीजर ट्रेलर काफ़ी इंटरेस्टिंग और कलरफुल और एट्रेक्टिव नज़र आ रहा है, ग्लैमर भी काफ़ी बढ़िया तरीके से टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स में डाला हुआ है। इसके अलावा ह्यूमर देखने को मिल रहा है, फनी चीज़ें भी अच्छी तरह से ऐड की हुई है, जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया जा रहा है वो इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है। स्टोरी से देखा जाए तो तीन लड़कियों के ऊपर है, जो तीन दोस्त है, एक ही एयरलाइंस में काम करती है कोहिनूर एयरलाइंस में, जहाँ पे की केबिन क्रू में वो काम करती हुई नजर आएगी, तो डिलीजेंट एक फ्रेंड्स के तौर पे वो नजर आई बताई गई है, और उनकी लाइफ काफ़ी पीसफुल तरीके से जा रही होती है। लेकिन एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है उनकी लाइफ में, जहाँ पे वो सिचुएशन के चलते वो अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें ऐसी हो जाती कि वो धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें करने में मोटिवेट हो जाते, और उसके बाद में वो एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते, तब उससे किस तरह से वो कैसे बाहर निकलते उस ट्रैप से, वो सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की होगी। तो अब ये चीज़ें सुनने में इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है, टीजर ट्रेलर लेवल पे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही, तो फुल फीचर फिल्म काफ़ी बढ़िया रहेगी ऐसा एक अंदाज़ा लग रहा है। जहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे एक्टर्स के नाम सामने निकल के आए, टबू, करीना कपूर, प्रीति सनन, दिलजीत दोसांझ, कपिल शर्मा, राजेश शर्मा और शाश्वत चटर्जी जैसे एक्टर्स का भी नाम नज़र आया हुआ है, तो ये सभी चीज़ें हैं। तो फिल्म के साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से पेपर पे चीज़ें नज़र आ रही है, फुल फीचर फिल्म में कैसी क्या रहती है और रिलीज़ के बाद पता चलेगा। इस फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा है थिएट्रिकली 29 मार्च 2024 को। जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ, उसके ऊपर ये फिल्म कितना क्या रन लेती है वो डिपेंड करेगा। वैसे करीना कपूर, कृति सेनन, टबू की जो फैन फॉलोइंग है उसके हिसाब से डेफिनेटली फिल्म एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन पहले 3 दिन में करेगी। उसके बाद में रिलायंस एंटरटेनमेंट किस तरह क्या रिलीज दिलवाती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। वर्ड ऑफ माउथ इस फिल्म को लंबा रन दिला सकता है, अच्छा खासा 100 करोड़ का बेंचमार्क भी हासिल करवा सकता है। अब देखते हैं कि ये सभी चीज़ें इस फिल्म के साथ किस तरह से कैसे क्या जाती है। वैसे क्रू फिल्म फिलहाल में जितने भी जो कंटेंट आउट हुआ है, टीजर, ट्रेलर, सॉन्ग्स, पोस्टर, सभी चीज़ें काफ़ी ग्लैमरस नज़र आ रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है। जो एक म्यूज़िक के तौर पे देखे या फिर अलग अलग एक्सपेक्ट के तौर पे देखे तो सभी जगह पे फिल्म परफेक्ट नज़र आ रही है। देखते हैं कि रिलीज़ के बाद किस कैसे क्या काम रहता है। अब थिएट्रिकल रिलीज़ तो 29 मार्च 2024 की है, तब से फिल्म थिएटर में आपको देखने को मिलेगी। बात करें OTT की तो OTT के राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने काफ़ी भारी रकम देते हुए खरीदे हुए हैं, तो जैसे ही थिएट्रिकल रन कंप्लीट होता है 50-60 दिनों के बाद ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर क्रू नाम के साथ हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन
देखने को मिल जाएगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि क्रू फिल्म फिलहाल में 29 मार्च 2024 से थिएटर में रिलीज होने के लिए तैयार है। थिएट्रिकल रिलीज के कुछ दिनों के बाद ये फिल्म करीबन 50-60 दिनों के बाद ऑफिशियली आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन। आया हुआ था तो करीबन 9-10 महीने इस फिल्म के अलग अलग शेड्यूल्स के तहत शूटिंग रही थी, जहाँ पे मुंबई, गोवा, अबू धाबी जैसे अलग अलग लोकेशंस पे इस फिल्म को शूट किया था। उसके बाद में म्यूजिक, डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, एडिटिंग करवाते हुए इस फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ है। जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में बातचीत करें तो अलग अलग म्यूजिक कंपोजर है। जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट थे वो भी काफ़ी अच्छी खासी प्राइस में बिके हुए। तो ये सभी चीज़ें इस फिल्म के साथ एक अच्छी हिट में हुए कि फिल्म के रिलीज से पहले ही OTT राइट से, सेटेलाइट राइट से वो सभी चीज़ें बिक चुकी है। तो फिल्म ऑलरेडी प्रॉफिट में ही चल रही है। इसके अलावा फिल्म जब थिएट्रिकल रन लेगी उसके बाद ही पता चलेगा किस तरीके से क्या कमाल करती है। वैसे टिप्स ऑफिशियल के द्वारा इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए फिल्म के दो गाने फिलहाल में आउट हुए, एक तो नाम है नैना, दूसरा है घाघरा। तो ये दो गाने जो आउट है उसको काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस मिला हुआ है। दोनों गानों ने बॉक्स ऑफिस पे यूट्यूब पे काफ़ी व्यूज़ क्रिएट किए हुए। फर्स्ट सिंगल नैना, जिसको 5 मार्च 2024 को टिप्स म्यूजिक के द्वारा रिलीज करवाया गया था, जहाँ पे इस फिल्म का जो सेकंड गाना है घाघरा उसको 12 मार्च 2024 को टिप्स के द्वारा रिलीज करवाया हुआ था। जो नैना गाना है उसको राज रंजोत ने लिखा हुआ है और बादशाह ने लिखा हुआ है, राज रंजोत के द्वारा म्यूजिक दिया गया था। इसके अलावा दिलजीत दोसांझ और बादशाह ने उसको गाया हुआ है। घाघरा जो गाना है वो एक रीमेक वर्जन है, राजस्थानी जो ट्रैक है दिल्ली शहर में मारो घाघरो जो घूमियो फॉर्म है वो उसको रिक्रिएट करते हुए इसमें डाला हुआ है घाघरा गाने को, जिसको जूनो और सृष्टि तावड़े ने लिखा हुआ है, भारत ने म्यूजिक दिया हुआ है, इला अरुण और रोमी सृष्टि दावड़े उनके द्वारा गवाया गया है। तो ये फिल्म के दो गाने फिलहाल में आउट हुए, ये दोनों गानों को एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है। सभी गाने आप ऑफिशियली सुन सकते हो टिप्स ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहाँ पे इस फिल्म के जो बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर बातचीत करें तो वो की हुई है जॉन स्टीवर्ट इदुरी ने। इस फिल्म का जो टीजर आउट हुआ था तब एक अच्छा एक रिस्पांस हासिल हुआ था, जहाँ पे लोगों ने सराहाया था कि तीन बड़े नाम एक साथ में आ रहे, जहाँ पे तबू करीना कपूर और कृति सेनन काफ़ी बेहतरीन फिल्म के एक अच्छे रोल्स में देखने को मिलने वाले। और उसके बाद में जो डायरेक्टर थे राजेश कृष्णन, उनसे भी उम्मीद थी क्योंकि इससे पहले उन्होंने लुटकेस और जो ट्रिपलिंग बनाई हुई थी TVF की वो भी उनकी काफ़ी शानदार रही थी। तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखते हुए एक अच्छा खासा एक इस फिल्म के थ्रू मेकर्स को भी कॉन्फिडेंस था। इसके अलावा इस फिल्म की जो कास्टिंग थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, जिसमें दिलजीत दोसांझ और कपिल शर्मा जैसे एक्टर्स के भी नाम जुड़े हुए थे। जहाँ पे इस फिल्म का जब ट्रेलर आउट हुआ तब और भी बेहतरीन रिस्पांस मिला। ट्रेलर में जो हाइस्ट देखने को मिले, जो कॉमेडी सीन सेट किए हुए, जिस तरह से जो बैकग्राउंड स्कोर बजता है, जिस तरह से जो एक हाइस्ट में जो एक फन क्रिएट किया हुआ है, एक ह्यूमर डाला हुआ है, वो सभी चीज़ें फिल्म को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती है। इसके अलावा फिल्म में ग्लैमर भी काफ़ी भर भर के डाला हुआ है। फिल्म की लीड एक्ट्रेस के द्वारा जिस तरह से ग्लैमराइज की हुई फिल्म को, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आती है। तो सभी टाइप की ऑडियंस को फिल्म अट्रैक्ट करने में डेफिनेटली कामयाब रहने वाली। इस फिल्म को रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है और ये
फिल्म डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिलीज ले सकती है। जब ये फिल्म रिलीज हो रही है तब आसपास इतनी बड़ी कोई फिल्में नजर नहीं आ रही, तो एक अच्छा रिलीज लेगी। तो अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो फिल्म का तो एक अच्छा खासा कलेक्शन कर सकती है। फिलहाल में इस फिल्म का टीजर ट्रेलर सॉन्ग जो आउट हुआ है उसको एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ है, व्यूज अच्छे आए हुए हैं, क्लेवर लोगों को पसंद आ रहा है। जिस तरह से कॉमेडी थी, एक्टिंग थी, वो लोगों को पसंद आ रही थी, ये सभी चीज़ें वो फिल्म के हित में काम करती हुई नजर आ रही है। अब देखते हैं कि फुल फीचर फिल्म इन सभी चीज़ों को किस तरह से कैसे क्या दिखाया हुआ है। जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अनुज राकेश धवन ने की हुई है, जहाँ पे उनका कैमरा वर्क आपको डेफिनेटली पसंद आएगा, एडिटिंग है वो मनन सागर के द्वारा करवाई गई है, तो ये कुछ चीज़ें जो फिल्म के साथ में काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करने के चांसेस है। अब देखने वाली बात यह है कि इस फिल्म को फुल फीचर में किस तरह से कैसे डायरेक्टर ने दिखाया होगा। टीजर ट्रेलर काफ़ी इंटरेस्टिंग और कलरफुल और एट्रेक्टिव नज़र आ रहा है। ग्लैमर भी काफ़ी बढ़िया तरीके से टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स में डाला हुआ है। इसके अलावा ह्यूमर देखने को मिल रहा है, फनी चीज़ें भी अच्छी तरह से ऐड की हुई है। जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया जा रहा है वो इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है। स्टोरी से देखा जाए तो तीन लड़कियों के ऊपर जो तीन दोस्त है, एक ही एयरलाइंस में काम करती है कोहिनूर एयरलाइंस में, जहाँ पे एक ही केबिन क्रू में वो काम करती हुई नजर आएगी, तो डिलीजेंट एक फ्रेंड्स के तौर पे वो नजर आई बताई गई है, और उनकी लाइफ काफ़ी पीसफुल तरीके से जा रही होती है। लेकिन एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है उनकी लाइफ में, जहाँ पे वो सिचुएशन के चलते वो अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें ऐसी हो जाती कि वो धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें करने में मोटिवेट हो जाते हैं, और उसके बाद में वो एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं। तब उससे किस तरह से वो कैसे बाहर निकलते उस ट्रैप से, वो सब चीज़ों में फिल्म की कहानी से ऐड की होगी। तो अब ये चीज़ें सुनने में इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है, टीजर ट्रेलर लेवल पे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है, तो फुल फीचर फिल्म काफ़ी बढ़िया रहेगी ऐसा एक अंदाज़ा लग रहा है। जहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे एक्टर्स के नाम सामने निकल के आए, टब्बू, करीना कपूर, प्रीति सनन, दिलजीत दोसांझ, कपिल शर्मा, राजेश शर्मा और शाश्वत चटर्जी जैसे एक्टर्स का भी नाम नज़र आया हुआ है। तो ये सभी चीज़ें तो फिल्म के साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से पेपर पे चीज़ें नज़र आ रही है। फुल फीचर फिल्म कैसी क्या रहती है और रिलीज़ के बाद पता चलेगा। इस फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा है थिएट्रिकली 29 मार्च 2024 को। जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ, उसी के ऊपर फिल्म कितना क्या रन लेती है वो डिपेंड करेगा। वैसे करीना कपूर, कृति सेनन, टबू की जो फैन फॉलोइंग है उसके हिसाब से डेफिनेटली फिल्म एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन पहले 3 दिन में करेगी। उसके बाद में रिलायंस एंटरटेनमेंट किस तरह क्या रिलीज दिलवाते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। वर्ड ऑफ माउथ इस फिल्म को लंबा रन दिला सकता है, अच्छे खासा 100 करोड़ का बेंचमार्क भी हासिल करवा सकता है। अब देखते हैं कि ये सभी चीज़ें इस फिल्म के साथ किस तरह से कैसे क्या जाती है। वैसे क्रू फिल्म फिलहाल में जितने भी जो कंटेंट आउट हुआ है, टीजर, ट्रेलर, सॉन्ग्स, पोस्टर, सभी चीज़ें काफ़ी ग्लैमरस नज़र आ रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है। जो एक म्यूज़िक के तौर पे देखे या फिर अलग अलग एक्सपेक्ट के तौर पे देखे तो सभी जगह पे फिल्म परफेक्ट नज़र आ रही है। देखते हैं कि रिलीज़ के बाद किस कैसे क्या काम रहता है। अब थिएट्रिकल रिलीज़ तो 29 मार्च 2024 की है, तब से फिल्म थिएटर में आपको देखने को मिलेगी। बात करें OTT की तो OTT के राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने काफ़ी भारी रकम देते हुए खरीदे हुए हैं। तो जैसे ही थिएट्रिकल रन कंप्लीट होता है 50-60 दिनों के बाद ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर क्रू नाम के साथ हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन
देखने को मिल जाएगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि क्रू फिल्म फिलहाल में 29 मार्च 2024 से थिएटर में रिलीज होने के लिए तैयार है। थिएट्रिकल रिलीज के कुछ दिनों के बाद ये फिल्म करीबन 50-60 दिनों के बाद ऑफिशियली आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे क्रू नाम के साथ इस फिल्म को अवेलेबल किया जाएगा। तो इस तरह से क्रू फिल्म आप ऑफिशियली OTT और सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर आसानी से एंजॉय कर पाओगे। सैटेलाइट प्लेटफॉर्म OTT रिलीज के कुछ बाद रिलीज करवाया जाएगा, उसके ऊपर इस फिल्म को रिलीज करवाया जाएगा। क्रू जो 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज हाईएस्ट कॉमेडी फिल्म है। फिल्म की कास्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से की गई है, जहाँ पे टबू, करीना कपूर और कृति सेनन जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे मेन लीड एक्ट्रेस के तौर पे। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं राजेश कृष्णन, जहाँ पे एज अ डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने इस फिल्म में काम किया और स्क्रीन प्ले भी उनके द्वारा तैयार किया गया है। एज अ डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने इससे पहले 2020 में लूट केस करके एक अच्छी फिल्म बनाई हुई थी। इससे पहले उन्होंने TVF की ट्रिपलिंग करके जो सीरीज थी वो डायरेक्ट की हुई थी, तो उनकी डेब्यू सीरीज थी वो भी अच्छी थी और ये भी फिल्म भी अच्छी थी। पिछली जो आई थी लूट के कुणाल की मोस्ट स्टारर फिल्म, तो अब वो ये इस फिल्म को लेके आ रहे क्रू फिल्म को। अब देखते हैं कि उनका कंटेंट किस तरह से कैसे क्या हिट करता है, जहाँ पे मेहुल सूरी और निधि मेहरा के द्वारा इस फिल्म को लिखा जा रहा है। इस फिल्म की कहानी उनके द्वारा लिखी गई है। एकता कपूर, रिया कपूर, अनिल कपूर और दिग्विजय पुरोहित के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। बालाजी मोशन पिक्चर्स, अनिल कपूर फिल्म्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे रिलायंस एंटरटेनमेंट ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है। एक मीडियम काइंड ऑफ बजट वाली फिल्म है, जिसकी कास्ट में टबू, करीना कपूर, कृति सेनन, दिलजीत दोसांझ जैसे एक्टर लीड रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी वो अनुज राकेश धवन ने की हुई है। फिल्म की एडिटिंग है वो मनन सागर ने की हुई है, जिन्होंने क्रिस्प एडिटिंग रखी हुई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग्स है वो दिलजीत दोसांझ, बादशाह, राज रंदोज, विशाल मिश्रा, अक्षय IP, पार्क रोहित जैसे द्वारा कंपोज करवाए गए। बैकग्राउंड स्कोर जॉन स्टीवर्टी दूरी के द्वारा कंपोज किया हुआ है। फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो टब्बू लीड रोल में देखने को मिलती है, जहां पे उन्होंने गीता सेठी का रोल प्ले किया हुआ है, जो एक इन फ्लाइट सुपरवाइजर है जो कोहिनूर एयरलाइंस में है। इसके अलावा करीना कपूर खान ने इस फिल्म में जैस्मिन राणा का रोल प्ले किया हुआ है, जहां पे उन्होंने सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट का रोल प्ले किया हुआ है जो कोहिनूर एयरलाइंस में काम करती हुई नजर आएगी। कृति सेनन ने इस फिल्म में दिव्या बाजवा का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी, जो जूनियर फ्लाइट अटेंडेंट है जो कोहिनूर एयरलाइंस में काम करते थे, तीनों फ्रेंड है। इसके अलावा दिलजीत दोसांझ इसमें जय सिंह राठौर का रोल प्ले किया है, जो सब इंस्पेक्टर CBI ऑफिसर है। इसके अलावा कपिल शर्मा का एक स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलता है, जिन्होंने राव मान सिंह का रोल प्ले किया है जो डिफॉल्टर मिलीनियर है। इसके अलावा राजेश शर्मा ने इस फिल्म में मार्थन मारन का रोल प्ले किया हुआ है, जो कोहिनूर एयरलाइंस का CFO है। शाश्वत चटर्जी ने इस फिल्म में विजय वाल्या का रोल प्ले किया हुआ है, जो कोहिनूर एयरलाइंस के चेयरमैन है। तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए। इस फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो स्टार्ट करवाई गई थी 25 मार्च 2023 को, जहां पे इस फिल्म को पूरी तरह से फरवरी 2024 तक रेप अप करवाया हुआ था। तो करीबन 9-10 महीने इस फिल्म के अलग अलग शेड्यूल्स के तहत
शूटिंग रही थी जहाँ पे मुंबई, गोवा, अबू धाबी जैसे अलग अलग लोकेशंस पे इस फिल्म को शूट किया था। उसके बाद में म्यूजिक, डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, एडिटिंग करवाते हुए इस फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ है। जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में बातचीत करें तो अलग अलग म्यूजिक कंपोजर है, जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट थे वो भी काफ़ी अच्छी खासी प्राइस में बिके हुए। तो ये सभी चीज़ें इस फिल्म के साथ एक अच्छी हिट में हुए कि फिल्म के रिलीज से पहले ही OTT राइट से, सैटेलाइट राइट से वो सभी चीज़ें बिक चुकी है। तो फिल्म ऑलरेडी प्रॉफिट में ही चल रही है। इसके अलावा फिल्म जब थिएट्रिकल रन लेगी उसके बाद ही पता चलेगा कि इस तरीके से क्या कमाल करती है। वैसे टिप्स ऑफिशियल के द्वारा इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए फिल्म के दो गाने फिलहाल में आउट हुए, एक तो नाम है नैना, दूसरा है घाघरा। तो ये दो गाने जो आउट है उसको काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस मिला हुआ है। दोनों गानों ने बॉक्स ऑफिस पे यूट्यूब पे काफ़ी व्यूज क्रिएट किए हुए। फर्स्ट सिंगल नैना जिसको 5 मार्च 2024 को टिप्स म्यूजिक के द्वारा रिलीज करवाया गया था, जहाँ पे इस फिल्म का जो सेकंड गाना है घाघरा उसको 12 मार्च 2024 को टिप्स के द्वारा रिलीज करवाया हुआ था। जो नैना गाना है उसको राज रंजोत ने लिखा हुआ है और बादशाह ने लिखा हुआ है, राज रंजोत के द्वारा म्यूजिक दिया गया था। इसके अलावा दिलजीत दोसांझ और बादशाह ने उसको गाया हुआ है। घाघरा जो गाना है वो एक रीमेक वर्जन है, राजस्थानी जो ट्रैक है, दिल्ली शहर में मारो घाघरो जो घूमियो फॉर्म है वो उसको रिक्रिएट करते हुए इसमें डाला हुआ है घाघरा गाने को, जिसको जूनो और सृष्टि तावड़े ने लिखा हुआ है, भारत ने म्यूजिक दिया हुआ है, इला अरुण और रोमी सृष्टि दावड़े उनके द्वारा गवाया गया है। तो ये फिल्म के दो गाने फिलहाल में आउट हुए, ये दोनों गानों को एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है। सभी गाने आप ऑफिशियली सुन सकते हो टिप्स ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहाँ पे इस फिल्म के जो बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर बातचीत करें तो वो की हुई है जॉन स्टीवर्ट इतुरी ने। इस फिल्म का जो टीजर आउट हुआ था तब एक अच्छा एक रिस्पांस हासिल हुआ था, जहाँ पे लोगों ने सराहाया था कि तीन बड़े नाम एक साथ में आ रहे, जहाँ पे तबू करीना कपूर और कृति सेनन काफ़ी बेहतरीन फिल्म के एक अच्छे रोल्स में देखने को मिलने वाले। और उसके बाद में जो डायरेक्टर थे राजेश कृष्णन, उनसे भी उम्मीदें थी क्योंकि इससे पहले उन्होंने लूट केस और जो ट्रिपलिंग बनाई हुई थी TVF की वो भी उनकी काफ़ी शानदार रही थी। तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखते हुए एक अच्छा खासा एक इस फिल्म के थ्रू मेकर्स को भी कॉन्फिडेंस था। इसके अलावा इस फिल्म की जो कास्टिंग थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, जिसमें दिलजीत दोसांझ और कपिल शर्मा जैसे एक्टर्स के भी नाम जुड़े हुए थे। जहाँ पे इस फिल्म का जब ट्रेलर आउट हुआ तब और भी बेहतरीन रिस्पांस मिला। ट्रेलर में जो हाइट देखने को मिले, जो कॉमेडी सीन सेट किए हुए, जिस तरह से जो बैकग्राउंड स्कोर बजता है, जिस तरह से जो एक हाइट में जो एक फन क्रिएट किया हुआ है, एक ह्यूमर डाला हुआ है, वो सभी चीज़ें फिल्म को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती है। इसके अलावा फिल्म में ग्लैमर भी काफ़ी भर भर के डाला हुआ है। फिल्म की लीड एक्ट्रेस के द्वारा जिस तरह से ग्लैमराइज की हुई फिल्म को, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आती है। तो सभी टाइप की ऑडियंस को फिल्म अट्रैक्ट करने में डेफिनेटली कामयाब रहने वाली। इस फिल्म को रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है और ये फिल्म डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिलीज ले सकती है। जब ये फिल्म रिलीज हो रही है तब आसपास इतनी बड़ी कोई फिल्में नजर नहीं आ रही, तो एक अच्छा रिलीज लेगी। तो अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो फिल्म का तो एक अच्छा खासा कलेक्शन कर सकती है। फिलहाल में इस फिल्म का टीजर ट्रेलर सॉन्ग जो आउट हुआ है उसको एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ है, व्यूज अच्छे आए हुए, ग्लैमर लोगों को पसंद आ रहा है, जिस तरह से कॉमेडी थी, एक्टिंग थी वो लोगों को पसंद आ रही थी। ये सभी चीज़ें
वो फिल्म के हित में काम करते हुए नजर आ रही है। अब देखते हैं कि फुल फीचर फिल्म में इन सभी चीज़ों को किस तरह से कैसे क्या दिखाया हुआ है। जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अनुज राकेश धवन ने की हुई है, जहाँ पे उनका कैमरा वर्क आपको डेफिनेटली पसंद आएगा, एडिटिंग है वो मनन सागर के द्वारा करवाई गई है। तो ये कुछ चीज़ें जो फिल्म के साथ में काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करने के चांसेस है। अब देखने वाली बात यह है कि इस फिल्म को फुल फीचर में किस तरह से कैसे डायरेक्टर ने दिखाया होगा। टीजर ट्रेलर काफ़ी इंटरेस्टिंग और कलरफुल और एट्रेक्टिव नज़र आ रहा है। ग्लैमर भी काफ़ी बढ़िया तरीके से टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स में डाला हुआ है। इसके अलावा ह्यूमर देखने को मिल रहा है, फनी चीज़ें भी अच्छी तरह से ऐड की हुई है। जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया जा रहा है वो इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है। स्टोरी से देखा जाए तो तीन लड़कियों के ऊपर जो तीन दोस्त है, एक ही एयरलाइंस में काम करती है कोहिनूर एयरलाइंस में, जहाँ पे एक ही केबिन क्रू में वो काम करती हुई नज़र आएगी। तो डिलीजेंट एक फ्रेंड्स के तौर पे वो नज़र आई बताई गई है, और उनकी लाइफ काफ़ी पीसफुल तरीके से जा रही होती है। लेकिन एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है उनकी लाइफ में, जहाँ पे वो सिचुएशन के चलते वो अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें ऐसी हो जाती कि वो धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें करने में मोटिवेट हो जाते हैं, और उसके बाद में वो एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं। तो उससे किस तरह से वो कैसे बाहर निकलते उस ट्रैप से, वो सब चीज़ों में फिल्म की कहानी से ऐड की होगी। तो अब ये चीज़ें सुनने में इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है, टीज़र ट्रेलर लेवल पे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है। तो फुल फीचर फिल्म काफ़ी बढ़िया रहेगी ऐसा एक अंदाज़ा लग रहा है, जहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे एक्टर्स के नाम सामने निकल के आए। टब्बू, करीना कपूर, प्रीति सनन, दिलजीत दोसांझ, कपिल शर्मा, राजेश शर्मा और शाश्वत चटर्जी जैसी एक्टर्स का भी नाम नज़र आया हुआ है। तो ये सभी चीज़ें तो फिल्म के साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से पेपर पे चीज़ें नज़र आ रही है। फुल फीचर फिल्म कैसी क्या रहती है और रिलीज़ के बाद पता चलेगा। इस फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा है थिएट्रिकली 29 मार्च 2024 को। जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ, उसके ऊपर फिल्म कितना क्या रन लेती है वो डिपेंड करेगा। वैसे करीना कपूर, कृति सेनन, टबू की जो फैन फॉलोइंग है उसके हिसाब से डेफिनेटली फिल्म एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन पहले 3 दिन में करेगी। उसके बाद में रिलायंस एंटरटेनमेंट किस तरह क्या रिलीज दिलवाते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। वर्ड ऑफ माउथ इस फिल्म को लंबा रन दिला सकता है, अच्छे खासा 100 करोड़ का बेंचमार्क भी हासिल करवा सकता है। अब देखते हैं कि ये सभी चीज़ें इस फिल्म के साथ किस तरह से कैसे क्या जाती है। वैसे क्रू फिल्म फिलहाल में जितने भी जो कंटेंट आउट हुआ है, टीज़र, ट्रेलर, सॉन्ग्स, पोस्टर, सभी चीज़ें काफ़ी ग्लैमरस नज़र आ रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है। जो एक म्यूज़िक के तौर पे देखे या फिर अलग अलग एक्सपेक्ट के तौर पे देखे तो सभी जगह पे फिल्म परफेक्ट नज़र आ रही है। देखते हैं कि रिलीज़ के बाद किस कैसे क्या काम रहता है। अब थिएट्रिकल रिलीज़ तो 29 मार्च 2024 की है, तब से फिल्म थिएटर में आपको देखने को मिलेगी। बात करें OTT की तो OTT के राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने काफ़ी भारी रकम देते हुए खरीदे हुए हैं। तो जैसे ही थिएट्रिकल रन कंप्लीट होता है 50-60 दिनों के बाद ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर क्रू नाम के साथ हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि क्रू फिल्म फिलहाल में 29 मार्च 2024 से थिएटर में रिलीज होने के लिए तैयार है। थिएट्रिकल रिलीज़ के कुछ दिनों के बाद ये फिल्म करीबन 50-60 दिनों के बाद ऑफिशियली आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे क्रू नाम के साथ इस फिल्म को अवेलेबल किया जाएगा। तो इस तरह से क्रू फिल्म आप ऑफिशियली OTT और सेटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर
आसानी से एंजॉय कर पाओगे। सैटेलाइट प्लेटफॉर्म OTT रिलीज के कुछ बाद रिलीज करवाया जाएगा, उसके ऊपर इस फिल्म को रिलीज करवाया जाएगा। तो बस गाइस, इस फिल्म के ऊपर यानी कि क्रू फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, जो बातें थे, वो मैंने शेयर कर दी है। फिल्म को किस तरह से कैसे क्या ऑफिशियली देख सकते हैं उसकी जानकारी दी हुई है। प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, फिल्मिंग बजट के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का प्रिडिक्शन दिया हुआ है। कहानी का प्रिडिक्शन, प्रीमाइस दिया हुआ है। इसके अलावा फिल्म से जुड़े अलग अलग एस्पेक्ट है, उसके ऊपर भी बातचीत की हुई है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था।